लास्ट लेक्चर थोड़ा इंट्रोडक्शन हुआ था, बेसिक कुछ नहीं, मतलब जस्ट फॉर सॉफ्टवेयर क्या होता है, क्या यूज है सॉफ्टवेयर का। तो अब्सेंट लोग थे तो कुछ मिस नहीं हुआ, अभी कोई आगे अब्सेंट नहीं देगा, सब लोग प्रेजेंट है ना, ऑल स्टूडेंट्स प्रेजेंट्स। सही बात देखिए ओके, तो और आवाज आ रहा है मेरा, लास्ट आवाज आ रहा है। आज पूरा सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करेंगे, ध्यान देना। नोटबुक, तो नोटबुक लाए सब लोग, निकालो बाहर, कोई भी लैपटॉप ऑन नहीं रखेगा, सब लोग लैपटॉप बंद करो, शट डाउन, जरूरत नहीं है। जब मैं बोलूंगा प्रैक्टिस टाइम, वो टाइम पे आप देखो। फास्ट फास्ट ओके निकाला सब लोग ने नोटबुक्स। ओके 3D Max इंस्टॉल कैसे करने का, मैं एक यूट्यूब का लिंक दूंगा आपको, कॉलेज के ग्रुप में डालता हूँ, वहाँ से आप देख के भी कर सकते हो। आपका कोई टेक्निकल पर्सन है उसके पास से करवा लो, नहीं तो ऑटोडेस्क के ऑफिशियल वेबसाइट पे स्टूडेंट वर्जन होता है, 3 साल के लिए आपको फ्री रहेगा, उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपको वो वाला चाहिए वो वाला यूज़ करो, कोई टेक्निकल पर्सन से लेना है या फिर ऑनलाइन आप डाउनलोड करके भी कर ले हो, आपकी मर्जी। हाँ सॉफ्टवेयर जो भी प्रोवाइडेशन है, अगर कॉलेज देता है तो देख लो, नहीं तो फिर तुम स्टूडेंट वर्जन ऑनलाइन फ्री है वो 3 साल के लिए, 3 साल के बाद निकाल दो, फिर आप देख लो आगे क्या करने का, तब तक आपको कॉलेज में खत्म। देन स्टार्ट कैसे करने का, आपको कहीं ना कहीं तो आइकॉन तो मिलने वाला है, नहीं तो फिर लॉक किया गया, लॉक किया तूने टास्क बार इसका नहीं। ओके यस, यहाँ पे सर्च भी मारोगे तो आपको यहाँ पे भी मिलेगा जो भी वर्जन है, अभी फिलहाल हमारे पास 2021 वाला वर्जन है। ओके सॉफ्टवेयर ऑन हो गया है, कुछ ऐसा दिखेगा आप, किसके पास अगर पुराना वाला वर्जन रहेगा 2014 13 12 उसके नीचे वाले, मतलब डाउन वाले वर्जन से, या 15 भी हो सकता है, उसका कलर थोड़ा चेंज है, ग्रे में है, नए जैसे वर्जन अपग्रेड होते गए वैसा उसका, इसका कलर सब लुक एंड फील सब सेम है, खाली ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है आपको वो ग्रे है, तो आप कन्फ्यूज मत होना, ये सॉफ्टवेयर कुछ अलग तो नहीं है। ठीक है, आपको दिखते हैं 4 विंडो, 1 2 3 4, आपने ऑटो कैड पढ़ा है तो आपको एक ही विंडो दिखाई देगी, ऑटो कैड इज अ 2D सॉफ्टवेयर, इसके वजह से आपको एक ही स्क्रीन दिखती है, मतलब एक ही विंडो दिखती है। इसको हम लोग बोलते हैं 3D के लैंग्वेज में व्यू पोर्ट, व्यू पोर्ट, व्यू पोर्ट का मतलब होता है जो आप देख रहे हो जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो वो व्यू पोर्ट, ये याद रखना। आगे क्या है व्यू पोर्ट्स अलग अलग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे है लिखा हुआ टॉप, जो व्यू पोर्ट मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उसका आउटलाइन गोल्डन कलर या आपके यहाँ पे येल्लो कलर होगा, राइट। गोल्डन कलर होगा या येल्लो कलर होगा, डिपेंड्स जो वर्जन है वो इसके ऊपर। अभी यहाँ पे मेरे को लाइटली गोल्डन ऐसा कुछ लाइन दिख रहा है, तो मैं अभी जो जो व्यू पोर्ट में काम कर रहा हूँ ये मेरा एक्टिव व्यू पोर्ट है, मतलब मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये वाला बॉर्डर गोल्डन हो गया, ये व्यू पोर्ट मेरा भी एक्टिव है, जो एक्टिव रहेगा उसका आउटलाइन आपको गोल्डन येल्लो जो भी कलर रहेगा, ये चेंज भी कर सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारी सेटिंग्स है, उसके अंदर से हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। तो आपको जो व्यू पोर्ट पे काम है आप वो सिलेक्ट करोगे। अभी क्या होता है, 4 स्क्रीन दिखने के बाद मेरे को कन्फ्यूजन होता है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, कौन से व्यू पोर्ट में काम कर रहा हूँ। आप इसको फुल स्क्रीन मोड में ला सकते हो, वो कैसे लाने का, सॉफ्टवेयर के अंदर बॉटम में नीचे सबसे डाउन वाला एकदम लास्ट एरो है, मैक्सिमम व्यू पोर्ट ट्रगल,
इसका शॉर्टकट की है अल्ट प्लस डब्ल्यू, शॉर्टकट सब नोट डाउन करना ऑनलाइन गाइस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स पुणे कणकवली नोट डाउन करना प्लीज। ठीक है, अल्ट प्लस डब्ल्यू दबाने के बाद ये जो मेरा एक्टिव वाला व्यूपोर्ट रहेगा वो बड़ा हो जाएगा। हमेशा आदत लगाना शॉर्टकट कीज, इसलिए नोट डाउन करने के लिए बोल रहा हूँ। अल्ट प्लस डब्ल्यू अगेन वापस जो नॉर्मल मोड था उसका वो मोड में आ गया। अभी आप देखोगे यहाँ पे लिखा है परस्पेक्टिव। परस्पेक्टिव आपने सब लोगों ने पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। परस्पेक्टिव ड्राइंग बनाना मतलब आइसोमेट्रिक परस्पेक्टिव, प्लान सेक्शन एलिवेशन जो आपने पढ़ा है वो वाला सेम चीज सॉफ्टवेयर में देखो। टॉप मतलब आपका प्लान हो गया, बराबर है? टॉप से आप प्लान देखते हो। यहाँ पे लिखा है फ्रंट, मतलब कोई भी एक एलिवेशन होगा आपका, कोई भी एक वॉल का। अगर ये रूम को देखेंगे हम लोग बैठे हुए रूम, ये टॉप से हो गया मेरा फ्रंट वाला, ये हो गया मेरा, मेरा बैक साइड ये वाला हो गया, बराबर है ना? राइट साइड लेफ्ट साइड, ठीक है। अभी यहाँ पे दो चीज नहीं है, एक तो बॉटम और बैक, वो भी चीज इसके अंदर इंक्लूड है, वो भी दिखा था आपको कैसे। पहले इंटरफेस समझ के लेते, टॉप प्लान हो गया कोई तो ए वाला एलिवेशन, बी वाला एलिवेशन, देन मेरा पर्सपेक्टिव जो मेरे को 3D में क्या दिखने वाला है वो। अभी ये बैक और दूसरा साइड मतलब लेफ्ट साइड वो कहाँ पे, आप यहाँ पे क्लिक करोगे कोई भी जो नाम लिखा है टॉप, यहाँ पे आपको दिखता है कैमरा लाइट टॉप बॉटम फ्रंट बैक लेफ्ट राइट। सॉफ्टवेयर के अंदर इतने सारे वो दो ऐड नहीं कर सकते थे क्योंकि और कन्फ्यूजन बढ़ता है। अगर वो रिक्वायरमेंट है आपको तो आप डायरेक्टली मैनुअली आपको करना पड़ेगा। वो सॉफ्टवेयर ने एक आपको फ्रंट दिया है, एक कोई तो एक साइड दिया है, टॉप व्यू दिया है, पर्सपेक्टिव दिया है। अभी मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, उसका नाम है टीपॉट। आपने ये सब देखा रहेगा नॉर्मल लाइफ में, सबके पास होता है, घर पे होता है, किसी चाय की दुकान में भी देखा रहेगा। ये कैसे लाया मैं ये सब बताऊंगा, कन्फ्यूज मत होना। मैं कहाँ से निकाला हूँ ये सब ये आपको दिखाऊंगा, ये आपके समझने के लिए मैंने ये सब कर रहा हूँ। अभी फिलहाल हम लोग को ये टॉप और पर्सपेक्टिव ये क्या चीज़ है ये समझना है। ये अगर ये समझ गए ना आप तो आपको आगे काम करने में बहुत आसानी होगी। यहाँ पे अटक गए कुछ नहीं, आगे का सब बाउंस जाएगा। देखो 3D में आपने को ये दिखता है, रियल वर्ल्ड लाइफ मेरा ये है पर्सपेक्टिव। हम लोग बैठे वो अपना पर्सपेक्टिव वर्ल्ड है, आप पर्सपेक्टिव में बैठे हो, बराबर है ना? मैं गलत बोल रहा हूँ कुछ नहीं, अगर है तो क्लियरली ओके। ये पर्सपेक्टिव वर्ड है जो मेरा रियल वर्ल्ड में मैं चल रहा हूँ, ये मेरा टॉप है। अभी आप बोलोगे यहाँ पे कुछ सॉलिड दिख रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसे जाली जाली दिख रहा है, ये मेरे को समझ में नहीं आया क्योंकि इसका मोड जो है व्यूपोर्ट के अंदर अलग अलग मोड होते हैं, वायर मोड सरफेस मोड। अगर आप देखोगे यहाँ पे लिखा है वायर, टॉप के बराबर बाजू में ही ये देखो वायर, और यहाँ पे क्या लिखा है डिफॉल्ट शेडिंग्स। शेडिंग का मतलब होता है आप जो भी मटेरियल यूज करने वाले उसके ऊपर ये कैसा है, ग्लास का है, प्लास्टिक का है, मेटल का है, जो भी शेडिंग रहेगा। शेडिंग समझते हो, आपने किया है शेडर्स, शेडिंग किया है ड्रॉइंग वगैरह पर है ना? तो डिफॉल्ट शेडिंग जो भी है इसका कलर वगैरह, वो फिलहाल डिफॉल्ट कलर ये है। इसके वजह से वायर का मतलब होता है ये जो आपका व्यू पॉइंट है ये कभी भी बनता है ना, इसके अंदर एक मेश होता है, मेश मतलब वो जाली जाली। इसके वजह से आपको यहाँ पे वायर मोड मतलब इसका ट्रांसफॉर्मर मोड में चालू कर दिया तो मेरे को वायर मिलने वाला है, मतलब जो लाइंस लाइन दिखने वाली। यहाँ पे भी है, मेरे को यहाँ पे समझो इसको सॉलिड में दिखाना है तो मैं क्या करूंगा, वायर के ऊपर क्लिक करूंगा, मैं बोलूंगा डिफॉल्ट शेडिंग्स। यहाँ पे भी करता हूँ डिफॉल्ट शेडिंग्स, यहाँ पे भी कर रहा हूँ डिफॉल्ट शेडिंग्स, आ गया। अभी मेरे को ये व्यूपॉइंट पे जूम करना है, कोई भी एक व्यूपॉइंट में टॉप में मेरे को जूम करना है तो मैं क्या करूंगा, अपना स्क्रोल है जैसे ऑटोकैड में अपने स्क्रोल करके जूम इन जूम आउट करते हैं, सेम प्रोसेस जूम कर दिया, जूम आउट जूम, अभी मैं ज्यादा जूम कर दिया, एक कोने में चला गया ये, तभी उसको साइड में लेके आने का मेरे को। तो मैं कैसे लेके आऊंगा, स्क्रोल क्लिक करने के बाद आपका पैन होता है, बराबर है? ये सब शॉर्टकट्स आपको यहीं पे मिलेंगे जो मैंने यहाँ से मैक्सिमम रिपोर्ट किए थे। मेरे एरो के पास प्लीज ध्यान देना मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। अगर समझो आपने कभी शॉर्टकट्स भूल गए या कभी कभी क्या होता है कि माउस का खराबी के कारण भी स्क्रोल नहीं चलता है वगैरह, तो आप यहाँ से भी मैन्युअली कर सकते हो। ये मेरा
पैन, जो मेरा पैन करने का है, बराबर है, ये हैंड, हैंड ये दिख रहा है, हैंड ऐसा हैंड दिखा है, वो वाला हैंड, यहाँ से मैं पैन कर सकता हूँ, जूम वाला, उसके ऊपर एक जूम का टूल है, इससे मैं जूम क्लिक कर रहा हूँ, ओके, मैं जस्ट क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, अगर मैं बॉटम में ड्रैग कर रहा हूँ तो जूम आउट हो रहा है, और ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो जूम इन हो रहा है। आप करोगे तो आपको समझ में आएगा, इजी है, कोई हार्ड नहीं, ठीक है। अभी मैं फिलहाल मैनुअल मोड भी कर रहा हूँ, मतलब जो मेरा माउस से कर रहा हूँ, ठीक है, जूम इन पैन, सेम अगेन जूम इन पैन, ये देखो ये माउस में गड़बड़, ओके, समझ में आया, समझा। यहाँ पे मेरा सॉलिड दिख रहा है, अगेन यहाँ पे भी सॉलिड है, यहाँ पे सॉलिड है। अभी ये कैसा है, देखो आपने परस्पेक्टिव ड्राइंग ड्रॉ किया है, बराबर इसका टॉप मेरे को दिख रहा है, बराबर इसका मेरे को फ्रंट दिख रहा है, और मेरा बराबर मेरे को इसका राइट साइड दिख रहा है, हैंडल वाला साइड दिख रहा है, लेफ्ट साइड सॉरी, बराबर है ना, मैं ड्रॉ किया मेरा लेफ्ट साइड में, ये मेरी बात करो, अगर आपके भी साइड में होगा बराबर, राइट ना, लेफ्ट साइड पे इसका हैंडल है, जो चाय यहाँ से बाहर आता है उसका मुंह राइट साइड पे देखना है, देखो देन इसका बॉटम मेरे को दिखने का, राइट, कुछ कंफ्यूजन किसी को भी नहीं, क्लियर सबको, ओके गुड, सिलेक्ट कर दिया तो इसको एक बॉर्डर मिलती है अपने को, ये सब सेटिंग से हटा सकते हैं, पर ऑब्जेक्ट मैंने जो भी सिलेक्ट किया है वो मेरे को समझने के लिए ये इंडिकेशन है, मतलब आपने ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, क्योंकि हम लोग जब बनाओगे तो बहुत सारे, कोई एक लिविंग रूम बना रहे तो बहुत सारे फर्नीचर होते हैं, एलिवेशन ट्रीटमेंट होती है, सीलिंग के अंदर है स्पॉटलाइट, ये वो बहुत, आप अलग अलग डिज़ाइन बनाते हो तो हर एक का टेक्निक अलग होता है, कि कोई मल्टीपल ऑब्जेक्ट से बनाता है, कोई एक ही ऑब्जेक्ट से बनाता है, आर्टिस्ट के ऊपर है, जो भी आर्टिस्ट का जैसा डिज़ाइन करने का स्किल है वही हिसाब से आर्टिस्ट डिज़ाइन करता है, तो वो समझने के लिए अपने को इंडिकेशन लाइन कि ये ऑब्जेक्ट मेरा सिलेक्टेड है, ठीक है। अभी आप बोलोगे ये एरो कहाँ से आया सब, ओके, एक नया कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया, ये एरो कहाँ से आया, सिलेक्ट करने के बाद ऐसा था, हम लोग पहले ऐसे देख रहे थे, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया तो ये एरो आ गया, राइट, ये एरो आया यहाँ से, ओके, सबसे पहले ये फाइल, एडिट, टूल्स, ग्रुप, व्यू, ये सब है, ये है आपका मेनू बार, ओके, उसके बाद आप जो भी कमांड प्रेस करोगे ये आपका कमांड बार है, और ये जो दिख रहा है आपको राइट साइड में पूरा, ये वाला विंडो, इसको बोलते हैं कमांड पैनल। अब जो भी कमांड देगा, आपने ऑटोकैड पढ़ा तो इसके अंदर आप क्या करते हैं, लाइन बनाने के लिए एल एंटर दबाते हो, फिर वो लाइन आती है, मूव करने के लिए एम एंटर देते हो, ऑफसेट के लिए वो एफ एंटर मारते हो, कमांड देते हैं आप, कोई भी सॉफ्टवेयर को कमांड देते हैं, ये कमांड बेस्ड सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑटोकैड इज अ कमांड बेस्ड सॉफ्टवेयर, ये आपको मैनुअली आपको जो भी करना है, ये यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, आप जो भी लोगे, मैं कुछ भी लूंगा ना यहाँ पे सब बनेगा, इसके अंदर सब कुछ डिजाइन होता है, ऐसा नहीं ये सॉफ्टवेयर ओनली फॉर इंटीरियर्स का है, लास्ट लेक्चर मैंने बताना भूल गया था, पुणे कनकोली गाइस प्लीज लिसन, ये सॉफ्टवेयर जो भी है ये ओनली फॉर इंटीरियर्स आर्किटेक्चर्स के लिए नहीं है, ये सॉफ्टवेयर फिल्म इंडस्ट्री, गेमिंग इंडस्ट्री, एग्जीबिशन इंडस्ट्री, जो सेट बनते हैं बड़े बड़े मूवी सेट्स, उसके लिए है, अपने लिए भी है, सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा है, इसके अंदर कुछ टूल ऐसे होंगे कि हम लोग के लिए नहीं है, हम लोग के लिए नहीं बनाया हुआ है, तो हम लोग उसको स्किप करने वाले हैं, पूरा सॉफ्टवेयर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो अपने फील्ड के रिलेटेड है उतना ही हम लोग देखेंगे, तो ऐसा मत बोलना आगे जाके, बहुत स्टूडेंट मेरे को कंप्लेंट करते हैं या सर के पास कंप्लेंट करते हैं कि हम लोग को ये ऑप्शन नहीं पढ़ा है, वो ऑप्शन नहीं पढ़ा है, ये आपके सिलेबस में ही नहीं है, वो पढ़ के आपको कुछ मतलब ही नहीं होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, ये बोन्स दिख रहा है, बोन्स, ये बोन्स का मतलब होता है हड्डी, अपने बॉडी के अंदर जो भी हड्डी है वो हड्डी, ये बनाया है गेमिंग कैरेक्टर्स ने, जब गेम खेलते हो वो गेम के अंदर जो भी कैरेक्टर डिजाइन होता है, जो भी आदमी डिजाइन होता है, जो भी एनिमल डिजाइन होता है, उसके अंदर ये हड्डी डालते हैं, ये हड्डी जब मूव होता है तभी वो वाला कैरेक्टर जो भी है वो मूव होता है, पर अपने को नहीं है, अपने को कैरेक्टर डिजाइन नहीं करना है, अपने को इंटीरियर डिजाइनिंग करने का है, राइट, ओके, तो कंफ्यूज मत होना कि ऐसा कोई ये मैंने नहीं पढ़ाया, ये स्किप किया है,
सिलेबस में नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिया। ठीक है, यहाँ से हम लोग कमांड पढ़ने लें, बराबर। ओके, आपको समझ में आया। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको अंडू दिख रहा है, अंडू कंट्रोल जेड अंडू, ये है आपका रीडू वाला। ओके, उसके बाद है आपका सिलेक्शंस के लिए, आपको कैसे टाइप का सिलेक्शन चाहिए। यहाँ पे दिख रहा है रेक्टेंगल, आप इसकी को होल्ड करके रखेंगे तो आपको अलग अलग टाइप के सिलेक्शन मिलेंगे। ओके, ये है आपका सिलेक्शन, मैंने अभी रेक्टेंगल ले लिया। मतलब क्या होता है, देख मैं ऑब्जेक्ट ये यहाँ पे है, पर मैं ऑब्जेक्ट को क्लिक करके सेलेक्ट करता हूँ, मेरे को ड्रैग करके सिलेक्शन करना है। मल्टीपल सिलेक्शन के लिए आपको ये सिलेक्शन टूल का यूज होने वाला है। ड्रैग करके करूंगा तो मेरे को दिख रहा है रेक्टेंगुलर, बराबर है। ये चेंज करता हूँ, क्लिक होल्ड, यहाँ पे आके छोड़ दिया सर्कल के ऊपर। मैं क्लिक करूंगा सर्कुलर सिलेक्शन, राइट। उसके बाद है मेरा ये कुछ ऐसा शेप का है, मतलब आपको ऐसा 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 ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, सिलेक्ट हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं, इसलिए मेरे को कुछ नहीं दिखा है। देन ये जिगजैग है, आप कैसे भी करने आड़ा देना। ये क्लिक क्लिक करके था, यहाँ पे कैसा है देखो, ये दोनों में बहुत जन कन्फ्यूज होते हैं। क्या है, फर्स्ट वाला ऑप्शन मैंने दिखाया था, ये वाला क्लिक करने का है, पकड़ के रखने का है, छोड़ने का नहीं है। आपको सिर्फ लाइन मिलेगी, आपको कुछ आड़ा टेढ़ा शेप्स नहीं मिलेगा, बराबर। लाइन मिल गई, फिर यहाँ पे आता हूँ, फिर भी लाइन मिल रही है, ये शेप बेंड नहीं हो रहा है, बराबर है ना। तो मेरे को थोड़ा बेंड वाला शेप चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये वाला ऑप्शन चूज करूंगा, खाली घुमा रहा हूँ बस। क्लिक छोड़ने का नहीं है, क्लिक प्रेस करके रखने का है। ये सिलेक्शन के अंदर टीपॉट आ गया, सिलेक्ट हो गया, बराबर। देन लास्ट में है स्प्रे वाला, तो ये आप ऐसे जहाँ पे स्प्रे करेंगे तो वो स्प्रे आपने यूज किया रहेगा ना, स्प्रे कलर के लिए वगैरह, तो वो ऐसा है। फटाफट सिलेक्शन के लिए दिया है, अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है। अभी आप जैसे धीरे धीरे और डीप में जाओगे तो ये सिलेक्शन के यूज आपको समझ में आएंगे, राइट। उसके बाद है ये विंडो और क्रॉसिंग, ये ऑटोकैड में पढ़ा है सब लोग, मालूम है ना, ऑटोकैड हो गया ना, राइट। तो ये आपको मालूम नहीं है, क्रॉस विंडो सिलेक्शन नहीं पढ़ा है, रियली। ओके, 3D में देखते क्या होता है। ये ऑप्शन में समझो ऑन रखता हूँ, ये आप कहाँ से ऑन कर सकते हो, देखो दूसरा ऑप्शन है इसका ही अलग है, देखो कहाँ से है, कस्टमाइज के अंदर प्रेफरेंस रहता है, ये प्रेफरेंस सेटिंग दिखा रहा हूँ आपका अंदर का, प्रेफरेंस यहाँ पे दिखा है, विंडो ऑटो विंडो क्रॉस क्रॉस बाय डायरेक्शन। फिर इसमें क्या लिखा है, आपको कैसे चाहिए, राइट टू लेफ्ट चाहिए, लेफ्ट टू राइट चाहिए क्रॉसिंग। मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली यहाँ पे ऑन करके छोड़ रहा हूँ बस। मैं क्या करता हूँ देखो, ड्रैग करता हूँ ना ऐसा, ये ऐसा एक ही ऑब्जेक्ट हो रहा है, बराबर है, देखना कंफ्यूज मत होना। ये देखो दो ऑब्जेक्ट मेरे पास, दो ट्यूब पड़े, मैं दो कैसे लाया वो भी बता दूंगा। लास्ट गाइस, सोच लेंगे, सोए नहीं ना कोई। देखो आपको ये ऐसे दिख रहा है, क्लियर लाइन दिख रही है और यहाँ पे दिख रही है डॉटेड लाइन, बराबर है, ये आपका क्रॉस विंडो सिलेक्शन होता है। मैं ऐसा करके कुछ सिलेक्ट करता हूँ, मतलब एक ऑब्जेक्ट को पूरा कवर कर रहा हूँ, दूसरे ऑब्जेक्ट को आधा ही कवर कर रहा हूँ, फिर क्या होता है, एक ही सिलेक्ट हो शुक्रिया। गया। वही बोला ना, रियली क्यों, वो मेन चीज है, वो टॉपिक क्रॉस विंडो सिलेक्शन बोलते हैं, याद रखना। और मैं अगर यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, सेम कर रहा हूँ, खाली अपोजिट डायरेक्शन से कर रहा हूँ मैं, ओके तो क्या होता है, दोनों सेट नहीं किया, राइट। ये आपका टूल यहाँ पे दिया उन्होंने, अगर आप मैनुअली डायरेक्टली सेटिंग में से रखोगे तो आपको बार बार ये ऑन करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। एक बार वो प्रेफरेंस से सेटिंग कहाँ से था मेरा, कस्टमाइज प्रेफरेंस और ये ऑन करना है जस्ट, ठीक है। ओके, देन उसके बाद मूव, मैंने आपको बताया मैंने यहाँ से मूव किया था, मतलब क्या है, समझो ये ऑब्जेक्ट है, मेरे को मूव करना है, इसका पोजीशन चेंज कर देने का है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और ये जो एरो दिख रहा है, राइट, जो भी डायरेक्शन में मेरे को जाने का है। अभी यहाँ पे देखोगे ये जो ग्रीन कलर है,
ग्रीन कलर का मतलब होता है वाई डायरेक्शन में जाने का, ये याद रखना, नोट डाउन। तू लिख क्यों नहीं रहा भाई, माइंड में रहेगा जरा पक्का? वाई डायरेक्शन में होता है, सॉरी ग्रीन में है, वाई डायरेक्शन मतलब ऊपर जा रहा है, ये व्यू पॉइंट में मैं ऊपर जा रहा हूँ। देन है एक्स डायरेक्शन, मतलब मैं मेरे राइट साइड पे जा रहा हूँ, बराबर है। फिर अगर मैं, मुझे समझो राइट साइड में जाना है, तो मैं कुछ ऐसे करूँगा, ओके। फिर मैं ऐसे करूँगा, देखो क्या होता है। अब ये इसको बोलते हैं, ये एरोस को एक्सिस, एक्सिस बोलते हैं। आपने ग्राफ पढ़ा है ना, सब लोग ने स्कूल में ग्राफ पढ़ा था, राइट। ग्राफ में क्या होता है, देखो मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, अल्ट प्लस डब्ल्यू, ये स्क्रीन को मैंने बड़ी किया। ग्राफ में क्या होता है, ऐसा ग्राफ दिखता है आपने, राइट। मैथ्स में ग्राफ पढ़ा था ना, राइट, सब लोगों ने पढ़ा ना। हाँ, जब भी ग्राफ पढ़ते हैं तो यहाँ पे वैल्यू रहती है जीरो, बराबर है। यहाँ पे रहते हैं पॉजिटिव वैल्यूज, मतलब प्लस प्लस वैल्यूज। यहाँ पे दिस डायरेक्शन पॉजिटिव वैल्यू, इसके अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव। बॉटम में देखो, अभी मैथ्स पढ़ते जा रहे, इसको डिलीट कर देता हूँ, सिलेक्ट, ओके। इसके नीचे बराबर बॉटम में आते हैं, यहाँ पे लिखा है एक्स वाई जेड, सब वैल्यू क्या क्या, अभी कुछ वैल्यू दिख रहा है, कुछ माइनस में, कुछ प्लस में, एक जीरो है, ठीक है। मैं सबको जीरो कर देता हूँ, जीरो एंटर, जीरो एंटर, बराबर सेंटर में है। देखो इसका एक्सिस पॉइंट के बराबर, मतलब जो ग्रीन वाले की जो लाइन है, अभी मैं फिलहाल येल्लो दिख रही होगी आपको, क्योंकि मैं उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज याद रखना, जब कोई भी आप इसको एक्टिव करते हो, व्यूपोर्ट को एक्टिव करते हो, तो आपको वो स्क्रीन वाली येल्लो लाइन में दिखती है। अगर मैं इसको वाई डायरेक्शन को एक्टिव करता, तो उसकी लाइन मेरे को येलो दिखाई रही, बराबर ना, येलो दिखा रही ना तुमको? हाँ, तो हाँ बोलो ना, मेरे को समझ में नहीं आया, ओके। ऐसा मैं मूव कर रहा हूँ, अंडू एक्स डायरेक्शन, ठीक है, बराबर है। अभी यहाँ पे जेड डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि मैं 2D में देख रहा हूँ, बिकॉज ऑफ मैं टॉप में देख रहा हूँ, राइट, परस्पेक्टिव में देखूंगा तो मेरे को जेड भी दिखाई देगा। देखते हैं परस्पेक्टिव में क्या लिखते हैं। Alt W, select this one, Alt W, select object, दिख रहा है? ब्लू वाला, ब्लू का मतलब है Z। आपको अगर समझ में नहीं आना, बच्चे की तरह लिखो, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, उर्दू, आपको जो भी लैंग्वेज में आता है ना, सब में लिखो, पर लिखो, नोट डाउन करो। ऐसे वीडियो भी है आपके पास, फिर भी बुक्स में रहेगा तो ठीक है, वीडियो डिलीट हो गया तो कहाँ से लोगे, बुक्स कभी खत्म नहीं होती। ओके, टॉप में थे हम लोग, मैं अगेन बाहर आ रहा हूँ, मैं अगेन टॉप में जा रहा हूँ, टॉप में। यहाँ पे मैं बोल रहा था आपको कुछ वैल्यू दिखती है, बराबर है। अभी मुझे जाना है वाई डायरेक्शन में, प्लस और नेगेटिव, समझो मुझे प्लस में जाना होगा, तो मैं क्या करूँगा, प्लस वैल्यू पुट करूंगा, मतलब कहाँ पे जाने वाला है, ऊपर, राइट। अगर मेरे को समझो, मैं अभी यहाँ पे यूनिट सेट नहीं है, मैं फिलहाल ऐसे डाल रहा हूँ, 300 एक फिट डाल रहा हूँ, ऊपर चला गया, देखते जूम आउट, 300 एक फुट डाला मैंने, ऊपर चला गया, बराबर है। वापस मैं 300 को जीरो कर लेता हूँ, आ गया। फिर इसको माइनस में डालते, 300, अमाउंट गिरा नहीं गया, 300, ओके, माइनस, अगेन इसको जीरो, सेम वाई डायरेक्शन, आपको प्लस वैल्यू चाहिए, दिस साइड मेरा मतलब मेरे राइट साइड पे जीरो माइनस, ओके, समझा। व्यूपॉइंट चेंज करके देखते हैं क्या होता है, कोई भी व्यूपॉइंट में जाओ, टॉप से बाहर आया, मैं गया फ्रंट में, जूम आउट, सेम एक्सिस है, ग्राफ तो पड़ा है, प्लस वैल्यू नेगेटिव वैल्यू आपको मालूम है, बराबर है। ये लेफ्ट है, ओके, क्लियर? इतना किसी को और कंफ्यूजन नहीं, तुरंत पूछ लेना जो भी रहेगा, ओके। चलो नेक्स्ट टॉपिक, मैं बाहर आ गया, ओके, पर्सपेक्टिव में हूँ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, जो भी डायरेक्शन रहेगा वो मेरे को दिख रहा है, ओके, क्लियर? अभी क्या होता है, देखो मैं बार बार अल्ट डब्ल्यू टॉप में जा रहा हूँ, अल्ट डब्ल्यू पर्सपेक्टिव में आ रहा हूँ, ये मेरे को बहुत तकलीफ वाला काम, सॉफ्टवेयर ने और इजी दिया, कोई जरूरत नहीं। कोई भी एक व्यूपोर्ट को आपने एक्टिव कर लिया, पर्सपेक्टिव एक्टिव कर लिया,
अभी मुझे जाना है कौन से डायरेक्शन में बताओ, किस में जाने का? फ्रंट अरे व्यूपोर्ट बता रहा हूँ, टॉप फ्रंट लेफ्ट व्यू। फ्रंट ओके फ्रंट के लिए क्या है अपना नाम, स्पेलिंग क्या है उसका? फर्स्ट वर्ड एफ है, प्लस एफ। एल ओके लेफ्ट के लिए एल, टॉप के लिए टी। ऐसे नहीं मैं दबा रहा हूँ, हाँ हाँ बोल रहे हो, इधर देखो ऊपर बराबर है कि नहीं, राइट है मेरा परस्पेक्टिव है वापस पी। अभी इसके अंदर होता है ऑर्थोग्राफिक्स, ये तो 3D में कभी यूज नहीं होता है ऑर्थोग्राफिक यू। इसके शॉर्टकट्स आपको यहाँ पे दिए हैं सब, इसके नहीं दिए क्योंकि ये सब मैनुअली होता है, ड्रॉ बैक टॉप राइट ये सब, सॉरी बॉटम बैक हो गया राइट हो गया, वही तो आपको एक उन्होंने दिया है उसमें से आपको काम आएगा वो आएगा, अगर नहीं आ रहा है तो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। ठीक है ये सब क्लियर इतना आज के लिए, अभी देखते हैं ड्रॉ कैसे करते हैं। मैंने ऑब्जेक्ट ये लाया कहाँ से, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दिया मैंने, डिलीट मारना है आपको, नॉर्मल डिलीट जो भी डिलीट बटन है आपका प्रेस डिलीट। ठीक है अगर आप जेड दबाते हो, समझो मैंने ये ऐसा कर दिया, ये जो मेरी जाली दिख रही थी ये मैंने जूम आउट किया से किधर तो चली गई, क्योंकि मैं बहुत बाहर आ गया हूँ, वो वर्ड में से बाहर आया हूँ। वर्ड का मतलब अपना पूरा जो वर्ड चलता है वो वर्ड दिखाता है, अब पूरा बड़ा बड़ा सीन, बड़ा बड़ा गेम, एक गेम डिजाइन होता है इसके अंदर, कितने घंटे का गेम होता है वो मालूम है, ये लेवल वो लेवल वो पूरा डिजाइन करते हैं इसके अंदर उन लोगों ने, उनका प्लानिंग वैसा होता है। ठीक है ये जूम आउट कर दिया, एक कोई तो दूसरी वर्ड में चला गया होगा, मैं दूसरी कंट्री में चला गया, जेड आ गया। ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं था इसलिए आपको ये जाली दिख रही है, इसको बोलते हैं ग्रिड, अपने ऑटोकैड में भी पढ़ा ग्रिड। हाँ ओके ग्रिड, अगर आपको ग्रिड नहीं चाहिए, आपको ग्रिड के वजह से कंफ्यूजन हो रहा है कुछ काम करने के लिए, प्रेस जी ग्रिड हाई हो जाएगी, ओनली जी। अगेन चाहिए प्रेस जी, पेन नहीं ला यार तू, नहीं ला अरे तू इंटर डिजाइन है तो पेंसिल पेन इरेजर शार्पनर ठेवा तुझा हो, मेजर टेप केशात ठेवायची पहिले। ओके यहाँ पे कमांड पैनल, ये विंडो कभी भी काम करते हो खिलाना मत, ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है देखो, ये वाला विंडो अभी मुझे नहीं चाहिए, कन्फ्यूजन वाला विंडो, इसलिए मैं निकाल रहा हूँ, क्लिक करूंगा यहाँ पे और मैंने क्लिक करते करते इसे खींच लिया, ये सब विंडो हिल जाते हैं, वापस आपको मालूम होना चाहिए किधर गया, वापस सेट करना, ये सेट कर सकते हैं क्लिक, आ गया वापस यहाँ पे आ गया, ये मुझे नहीं चाहिए मैं निकाल रहा हूँ, यहाँ पे क्रॉस बंद, ये मैं अगर काम करते करते गलती से मेरा ये हिल गया तो ये हिल जाएगा पूरा, ये हिल गया देखो बाहर आ गया विंडो, ये विंडो मुझे चाहिए यहाँ पे, ब्लू आ गया सेट, ऐसे ब्लू पॉपअप हो गया ना वो हाँ सेट हो जाएगा उधर, छोड़ दो क्लिक। ओके सबसे पहले क्रिएट, उसके अंदर ये सब टैब है, क्रिएट देन मॉडिफिकेशन, ये हायरार्की, फिर मोशन, मोशन को अपने की कोई जरूरत नहीं है, मोशन का मतलब होता है एनिमेट करना, कोई भी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट देने के लिए मोशन का इस्तेमाल होता है, डिस्प्ले वगैरह तो कोई अपने तो कोई सब है, डिस्प्ले में क्या नहीं चाहिए बोन्स ये सब हाइड करने के लिए हम लोग शॉर्टकट यूज करते हैं, देन ये भी अपने कुछ काम के नहीं है। ओके मेजरमेंट है वो तो, मेजरमेंट आपको समझ में आएगा, वो खाली मेजर करने के लिए आपका ओवरऑल ऑब्जेक्ट कितना स्केल का है वगैरह वो सब चीज़ें। ओके सबसे पहले आपने क्रिएट टैन डिजाइन में क्रिएट करना है, मुझे अभी ये सॉफ्टवेयर में कुछ तो बनाना है, मेरे को कुछ क्रिएट करने के लिए क्रिएट पैनल में जाना पड़ेगा, ये फिर इसके अंदर क्रिएट के अंदर ये सब चीज़ें हैं, आप क्या क्या बना सकते हो, सबसे पहले ज्योमेट्री, मैथ्स में ज्योमेट्री पढ़ा है बराबर, ज्योमेट्री, फिर ज्योमेट्री में ये पैनल है, एक के अंदर कितने कंटेंट है, क्रिएट में गए फिर ज्योमेट्री में गए, ज्योमेट्री के अंदर बहुत सारी ज्योमेट्रीज है, अलग अलग ज्योमेट्रीज है वो देखेंगे, सबसे पहले स्टैंडर्ड पैरामीटर्स, जो भी स्टैंडर्ड ज्योमेट्री बनी थी वो ज्योमेट्री हम लोग देखें राइट, उसके बाद है शेप्स, जो भी शेप्स ड्रॉ करते हो आप वो भी देखेंगे क्या है आगे, देन लाइट्स,
अपने को लाइट्स की जरूरत है, इंटीरियर बनाया, सब कुछ बनाया, मटेरियल आपका जो भी मटेरियल पैलेट है वो आपने पुटअप किया विदाउट लाइट्स नथिंग, ये सब मैं रूम को बंद कर दूंगा, एक भी लाइट चालू नहीं रहेगी, क्या रहेगा? एक अंधेरे रूम में आपको छोड़ दूंगा, क्या दिखने वाला? एक मोमबत्ती जलाएंगे ना, एक मोमबत्ती तो पूरा सब आपको समझ में आता कि क्या है, आपने ये वॉल कहाँ पे, उसका कलर क्या है वगैरह, तो लाइट्स की जरूरत होगी, देन आता है कैमरा। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट चीज कैमरा एंगल। लुक, आप अगर एंगल बराबर सेट नहीं करोगे आपका डिजाइन प्रेजेंट नहीं होगा, इसके लिए आपको कैमरे की जरूरत है। राइट, फोटोग्राफी करते हैं, नहीं रील तो सब लोग बनाते हैं, है ना, उसमें नंबर वन फोटोग्राफी करते हो, नहीं स्टार्ट करो आज से। ठीक है, सबसे पहले क्रिएट में स्टैंडर्ड पैरामीटर्स में जाऊंगा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सटेंडेड कंपोनेंट अपडेट्स, पार्टिकल सिस्टम अपने काम के नहीं है, देन पाइथन ग्रिड्स काम के नहीं है, बोन ऑब्जेक्ट्स जो मैं जैसे मैंने बोला, सॉरी बॉडी ऑब्जेक्ट्स वो भी नहीं है, डोर्स काम के हैं, विंडोज काम के हैं, स्टेयर केस ये वीरे वीरे, तो हम लोग को ये सब प्लग इन सॉफ्टवेयर से है। वीरे लास्ट लेक्चर बताया था मैंने वीरे क्या है, हम लोग वीरे का इस्तेमाल करने वाले हैं, वीरे इज अ स्ट्रॉन्ग प्लग इन फॉर 3D Max, इसके अंदर लाइट्स इफेक्ट्स नेचुरल लाने के लिए काम करता है वीरे, और दो तीन सब बल अलग अलग सॉफ्टवेयर है रेंडरिंग के लिए, इसमें से सबसे पहले आया था वीरे, अभी आया कोरोना रेंडर, आया है लूमियन, आया है एक अनरियल इंजन चलता है, वो तो पूरा अलग ही सॉफ्टवेयर है, तो उसका 3D में उधर ही बना, उधर ही रेंडर करो, और एक D5 रेंडर करके आया 3D Max में, अभी अपने पास इतना नहीं है, यूज भी नहीं हो रहा है बाहर ज्यादा, तो ज्यादा तब चल रहा है US में वगैरह के, US उन लोग यूज करते हैं। 3D में सबसे स्ट्रांग कंट्री कौन सा है मालूम है? मालूम है जो कौन है? चाइना रशिया, उसके बाद तुर्की, उन लोग का 3D देखो, आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या बना है, ये नेचुरल फोटो निकाल के लेके 3D लेके आया, तो भारी बना दे। फॉलो करना उन लोग ऐसे गाइस को इंस्टा पे, आपको आपका विजनरी पावर थोड़ा बढ़ेगा उन लोग से। ठीक है, क्रिएट ज्योमेट्री देन स्टार्ट स्टैंडर्ड पैरामीटर्स, सबसे पहला ऑब्जेक्ट है बॉक्स, मैं ये नहीं लूंगा क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना होने के लिए मैं ले रहा हूँ यहाँ से टीपॉट, ठीक है, मैंने टीपॉट बना के दिखाया, अब देखोगे यहाँ पे क्या लिखा, पहले बॉक्स, बॉक्स तो मालूम है, कोन आइसक्रीम का कोन तो हम लोगों ने खाया है, ये सब लेने वाला हूँ ऐसे नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, स्पीयर, जियो स्पीयर, सिलेंडर, सिलेंडर मतलब गैस सिलेंडर नहीं, नहीं तो बोलेंगे मैं इंटीरियर कर रही हूँ इसके अंदर दिया है इन्होंने सिलेंडर डाल दो किचन में, नहीं ये अलग है। टोरस ये आपको समझ में आएगा, पिरामिड शेप तो आपको मालूम है, जो पिरामिड हम लोगों ने देखा है ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री में पड़े हुए ऑब्जेक्ट ही है ये सब, ट्यूब, ट्यूबलाइट्स नॉट ट्यूबलाइट्स, ट्यूब जस्ट एक ट्यूब, देन है टीपॉट, ये नया ऑब्जेक्ट है, ये समझ में नहीं आता सर ये क्यों दिया है, राइट ये क्यों दिया है, ये मैं ले रहा हूँ टीपॉट, क्लिक किया यहाँ पे ब्लू इंडिकेशन, तूने ये ऑब्जेक्ट को चूज किया है, इंडिकेशन यहाँ पे आया सेंटर पे लेके आ रहा हूँ, कहाँ पे भी बना सकते हो, मैं ऐसा यहाँ पे आया तो आपको भी आ, बट ट्राई करना हमेशा ग्रिड के ऊपर। ओके, क्लिक ट्रैक करो, ठीक है, ड्रैग किया मैंने, ओके वापस दिखाता हूँ, कन्फ्यूजन, टीपॉट सिलेक्टेड, क्लिक, क्लिक को दबा के रखने का है, क्लिक को छोड़ने का नहीं है, ओके जस्ट ट्रैक करो, ऐसे खुलता है ना कली, ऐसे खुलता है, राइट हाँ देखा आपने, ऑब्जर्व किया, वापस दिखाओ, ओके समझा, लास्ट, ओके मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, अभी इसका क्या करने का, ये तो बना दिया, किसी टेबल के ऊपर रखना पड़ेगा बराबर ना, ऐसे छोड़ दो हवा में, नहीं ठीक है, इसको भी यहाँ फिलहाल साइड में लेते, साइड में लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कमांड देना पड़ेगा, तू साइड में मूव हो जा, तो ये तो होने वाला नहीं है, इसलिए मूव साइड में ले, बराबर, अभी बनाते टेबल, ओके, टेबल
रेक्टेंगुलर शेप है तो बॉक्स लेना पड़ेगा। ओके हम लोग अभी बॉक्स पढ़ते हैं। क्लिक, इतने बाय इतने का मेरा रहेगा, बता दो। ठीक है फिलहाल मैं सब ले रहा हूँ, क्लिक को छोड़ रहा हूँ, जस्ट माउस हिला दिया, कुछ नहीं करो, क्लिक करके ड्रैग किया, क्लिक को छोड़ा नहीं था, देन जो मेरा शेप था रेक्टेंगुलर बेसिक शेप वो मैंने उठाया, क्लिक छोड़ दिया, माउस हिला रहा हूँ तो अपने आप हाइट दिखा रहा है। मेरे को ये इतना हाइट का चाहिए, इसका प्लाई का थिकनेस जो भी आप समझ रहे हो, मेटल का बना रहे हो मार्बल का बना रहे हो, तो इसका थिकनेस कितने रहेगा, मैं लगभग विजुअली कर रहा हूँ सब कुछ, अभी हम लोग फिलहाल विजुअली देख रहे हैं। ठीक है क्लिक, इतना रहेगा, अभी कुछ मूवमेंट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है। ओके अगर आपको ये कमांड में से बाहर आना है तो एस्केप दबा दो, अपने आप ये ऑब्जेक्ट मूव होएगा। क्यों होएगा? क्योंकि सबसे पहला कमांड है इन लोग का मूव, राइट। अगर इसको मुझे रोटेट करना है, घुमाना है, तो मैं घुमा सकता हूं। देखो इसके बाजू में टूल दिया है रोटेट। अगेन मैं बोला था कलर्स याद रखने का अपने को, वाई का कलर कौन सा था नोट डाउन नहीं किया था तुम लोगों ने, मुझे मालूम है सब लोगों ने किया है, ग्रीन। और एक्स के लिए कौन सा कलर था? रेड। और जेड के लिए? राइट। ओके गुड। अभी यहाँ पे आपको समझ में नहीं आता है क्योंकि वहां पे तो दिखा रहा था एक्स वाई जेड, उसका नाम लिख के आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा। ओके मुंह का कमांड है डब्ल्यू, मुंह का शॉर्टकट कमांड है डब्ल्यू। आप बोले यहाँ पे यम क्यों नहीं दिया, बता दो क्यों नहीं दिया। अगर हम मैं यम प्रेस करता हूँ यहाँ पे एम, गाइस प्लीज साइलेंट योर फोन, डिस्टर्ब होता है। मैं ठीक है तेरा फोन आ गया इंपॉर्टेंट रहेगा सब कुछ, बट साइलेंट पे रखो बाकी सबको डिस्टर्ब ना हो। तू तेरे बात साइड में देखा कुछ अर्जेंट है उठाया नहीं, सॉरी तो इसलिए रिंग बजता। बट ट्राई करो मोस्ट ऑफ कि ना बजे, सबको कंफ्यूजन होता है, डिस्टर्ब होता है पूरा क्लासिक डिस्टर्ब। मेरा लिंक मैं क्या बता रहा हूँ मैं भूल जाता हूँ कभी, ऐसा होता है। ओके ये विंडो आती है एम के वजह से, इसलिए मैं आपको सॉरी इसलिए इन्होंने विंडो शॉर्टकट एम नहीं दिया है, डब्ल्यू दिया है। ओके डब्ल्यू का मतलब मूव, रोटेट के लिए देखो आर कर सकता नहीं हुआ ना रोटेट। ई इसलिए नोट डाउन करो, आप समझो कि हाँ ऑटो कैड से आर एंटर मारा, कुछ नहीं होना। और यहाँ पे एंटर नहीं दबाने का कभी, याद रखना आपको यहाँ पे एंटर करके कुछ दबाना ही नहीं, डायरेक्ट नॉर्मल शॉर्टकट। अगर आप एंटर दबाते हो स्पेस दबाते हो क्या होता है मालूम है? देखो स्पेस बार दबा दिया मैंने, यहाँ पे पूछता हूँ लॉक सिलेक्शन, ऑब्जेक्ट को आप लॉक कर सकते हो, मतलब समझो मैंने लॉक सिलेक्शन कर दिया इसको, ये ऑब्जेक्ट कभी रोटेट नहीं होने वाला, सॉरी ऐसा मतलब वो वही जगह पे रहेगा, पोजीशन वगैरह चेंज नहीं करेगा, लॉक होता है लॉक, यहाँ पे लॉक है। वापस अनलॉक कर दे। ओके ई रोटेशन और स्केल, ये बच्चा अपना स्केल है, एक स्केल के लिए है आर। अभी ये सब शॉर्टकट ऐसे क्यों दिए है वो एक सब लाइन में देखोगे, आपका कीबोर्ड है उसके ऊपर डब्ल्यू ई आर, तो आपका हैंड एक माउस पे है एक हैंड कीबोर्ड पे, तो आप डायरेक्टली डब्ल्यू ई आर, ये तीन उंगली आप इसको ना डब्ल्यू ई आर, बस इतना यूजर फ्रेंडली दिया है, राइट। मुझे रोटेट करना था तो मैं रोटेट कर सकता हूँ, अगर मुझे स्पेसिफिक एंगल में ही रोटेट करना है एक कौन सा डिग्री में आपका, तो मुझे करना है समझो वाई में करते हैं 45 डिग्रीज, 45 डिग्री में वो रोटेट हो गया। अब ये सेंटर से रोटेट हो रहा है, आप इसका रोटेशन पॉइंट भी चेंज कर सकते हो, ठीक है वो देखते हैं कैसे चेंज कर। ठीक है मैं W दबा रहा हूँ तो क्या हो रहा है,
आगे एक्सिस पॉइंट देखो, टॉप से देखेंगे बराबर सेंटर के में है, ऑब्जेक्ट के बराबर सेंटर, कोई भी ऑब्जेक्ट पकड़ो सेंटर पे इसके, कितना भी जूम करके तो सेंटर ही रहेगा उसका, मैक्स बाय डिफॉल्ट सेंटर देता है। अभी इसका पॉइंट जो है मेरे को चेंज करना है, मेरे को यहाँ पे नहीं चाहिए, मेरे को ये कोने में चाहिए, यहाँ पे किधर तो चाहिए, या कि यहाँ पे किधर तो चाहिए। आप कहाँ पे भी रख सकते हो, ये पूरा सरफेस में आपको जहाँ पे रखना है वहाँ पे पुट कर सकते हो। वो कैसे करने का, हम लोगों ने यहाँ से किया था क्रिएट देन मॉडिफिकेशन देन ये हायरार्की में लिखा है अफेक्ट पाइवट ओनली, का मतलब होता है ये जो पाइवट है, ये जो इसका एक्सिस पॉइंट है वो मुझे चेंज करना है, इसीलिए इफेक्ट कर उसके ऊपर कुछ इफेक्ट करना है। किया, आपका बराबर मुंह में एक ट्रांसपेरेंट एक्सिस आ गया, ओके ये आने मतलब आपका ये एक्टिव हो गया, जो इफेक्ट पाइवट ओनली है ना वो आपका एक्टिव हो गया। मैं इसको चेंज करता हूँ, आपको जहाँ पे रखना है आप चेंज कर सकते हो, अगर आप स्पेसिफिक डायरेक्शन दे रहे हो। देखो मेरा ओनली रेड वाला मतलब एक्स वाला एक्टिव है, ओके कुछ कन्फ्यूजन है उसको, उसको डाउट नहीं ना, इफेक्ट पे आउट ओनली इथे 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 गेलो है क्रिएट में गया था मैं यहाँ पे बराबर। उसके बाद था मॉडिफिकेशन, मतलब मैं दिखाऊंगा मॉडिफिकेशन क्या है, फिलहाल टेम्परेरी भूल जाओ क्या है। मैं यहाँ पे गया हायरार्की के अंदर, यहाँ पे गया इफेक्ट पे आउट ओनली के अंदर, बस इतना ही किया। और मुझे, मैं आपको ये बता रहा था कि कौन से डायरेक्शन में मुझे चेंज करना है, अगर आप मुझे कहाँ पे भी रखना है, मैंने डायरेक्टली जाना है तो मैं क्या करूँगा, ये दिख रहा है स्क्वायर दिखता है ये, यहाँ पे जाऊंगा तो मेरा देखो एक्स वाला भी एक्टिव है, वाई वाला भी एक्टिव है, ये देखो अब दोनों डायरेक्शन में काम कर रहा है। अगर मैं एक्स में रखूंगा तो एक ही डायरेक्शन में काम होएगा, और वाई में रखूंगा तो एक ही डायरेक्शन में काम, राइट। मुझे चाहिए यहाँ पे, मैं डायरेक्टली मैनुअली पुट करके यहाँ पे लेके आया, इसको बंद कर दिया, इसका काम हो गया है, इसको बोलते हैं टाटा घर पे बैठ, ओके अभी मैं जाता हूँ, वापस टॉप में सॉरी पर्सपेक्टिव में, ओके पर्सपेक्टिव बराबर ठीक है। ई रोटेशन कौन से, यहाँ पे हम लोग कर रहे थे राइट, वाई में 45 डिग्री डाला था ना मैंने, बस ऊपर चाहिए -45, समझा कुछ कंफ्यूजन किसी को, और लास्ट गाइस सोए नहीं ना तुम लोग, ध्यान देना भाई, ओके समझा इतना सबको क्लियर है। अभी आप बोल रहे हैं कि मुझे ये सब डायमेंशन में काम करना था, या मेरा जो भी साइज है आपने डिसाइड किया विद यूनिटलेस में भी है, फिर भी मुझे इसका साइज छोटा बड़ा करना है, तो मैं कैसे करूँगा। देखो क्रिएट पैनल में थे, अपने को जाना है मॉडिफाई पैनल में, यहाँ पे आपका उसका नाम लिख के आएगा box 001, ये बॉक्स था जो भी बाय डिफॉल्ट था वो। अगर आपको इसका नाम एडिट करना है आप कर सकते हो, खुद का नाम डालना है डाल सकते हो, ओके सरफेस मैंने नाम लिखा उसका टॉप सरफेस, ओके तो इसके नीचे आपको दिखता है लेंथ विड्थ हाइट बराबर। अभी लेंथ कितनी है इसकी, आपका जो भी लेंथ रहेगा क्लिक प्रेस करके रखने का, जो साइड में दो डॉट दिख रहे होंगे या एरो दिख रहे होंगे आपको, उसके ऊपर माउस लेके जाने का, क्लिक दबा के रखने का, या ऐसा सिम आपका एरो ऐसा आएगा ऊपर नीचे, इससे आपको जो भी रहेगा साइज वो, अगर आपको मैनुअली साइज मालूम है कि मेरा इतना ही है तो आप डायरेक्टली सिलेक्ट करो, वैल्यू पुट करो आपको जो भी रहेगा। ये मैं यहाँ पे फिलहाल बाय डिफॉल्ट 85 ले रहा हूँ, एंटर कर दिया, इसका साइज है कुछ 100, छोटा कर दिया, बड़े से मैंने छोटा कर दिया, आपको बड़ा करना है तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। यहाँ पे आपको यूनिट सेट करने हम लोग सीखेंगे तो आपको यहाँ पे लिख के आएगा मिलीमीटर सेंटीमीटर इंचेस फुट मीटर्स, जो भी आप यूनिट में काम कर रहे होगे वो यूनिट में काम करोगे। बट मेरा सजेशन आपको ये है कि आप 3D में MM में काम करो, मैं तो बोलता हूँ आप लोग आपका ड्राइंग भी MM में बनाओ, आदत डालो अभी से, क्योंकि आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग MM में काम करते हैं। अगर आप मॉड्यूलर में जो मॉड्यूलर फर्नीचर डिजाइन करते हो, मॉड्यूलर कुछ भी मॉड्यूलर मतलब मॉड्यूलर इंडस्ट्री जो में है,
वो उन लोग एमएम में ही लेते हैं। अगर स्पेसिफिक किचन में गए तो आपको एमएम में काम करना पड़ता है। अभी आपको आदत लगी होगी इंचेस की, एमएम में कर रहे हो तो गुड, वेरी गुड, एमएम में ही काम करना। मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हम लोग एमएम में ही काम करते हैं। तो थ्री डी में भी मैं थ्री डी बनाता हूँ क्योंकि ड्राइंग मेरा एमएम में बनता है, तो मैं इसी में भी एमएम में काम क्यों करते हैं, क्योंकि आपको प्रिसीजन ज़्यादा मिलते हैं, अलग 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 स्मॉल स्मॉल स्केल में आपको काम करने को मिलता है। थ्री डी में कैसा होता है कि अगर एक इंच डाले तो इतना बड़ा दिखता है, ऐसा दिखने में बहुत बड़ा दिखता है। आप बोले अरे इतना बड़ा हो गया, एक इंच डेविड मैंने लिया था, ऐसा नहीं, बट सॉफ्टवेयर है थोड़ा सा, विजनरी के हिसाब से भी होता है थोड़ा। तो एमएम में अपने को हाँ चल एक इंच का उन्होंने लिया कुछ 18-20 का लिया तो चल जाता है उतना। तो आपका जो भी यूनिट रहेगा वो यहाँ पे दिखाएगा साइड में, और जो भी आप डायरी में ये डालोगे आपका साइज वो साइज में आएगा। ये मेरा 4 दिखा रहा है, अगर आपको यहाँ पे बढ़ाना है तो आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। अभी नीचे आते लेग लेंथ सेक्स विथ सेक्स हाइट सेक्स, ये क्या है, ये शॉर्टकट दिखाया उसने, इसका नाम है सेगमेंट्स, लेंथ सेगमेंट विथ सेगमेंट हाइट सेगमेंट। अब ये सेगमेंट क्या है, ओके सेगमेंट क्या होता है, आप अगर इसको बढ़ाते हैं नंबर सब बढ़ा दे, कुछ दिखाई दिया नहीं दिखा दिया बराबर, क्यों नहीं दिखा दिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट मेरा है सरफेस मोड शेडिंग में है, तो भी सॉलिड ऑब्जेक्ट इसको करते वायर, ये है वायर ओवरराइड, ओके। अभी इसका शॉर्टकट की लिख के लेना, F3 जो है आपका, अगर आप कभी कभी क्या होता है फंक्शन F3 दबाना पड़ता है, फंक्शन जो आपके लैपटॉप में फंक्शन होता है ना, अगर आपका F3 से नहीं हुआ समझो डायरेक्टली दबा रहे तो कुछ अलग ही आ रहा होगा, तो फंक्शन F3 ये ट्राई करना। अभी ये लैपटॉप में तो हो रहा है, ठीक है, लाइन दिख रही होगी, सब ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है मेरा, ये मैं कम कर रहा हूँ यहाँ से, और ज़्यादा बढ़ाना चाहता हूँ बढ़ाते हो, हाइट में बढ़ाना है बढ़ाता हूँ, कम करना है कम कर सकता हूँ, जो लाइन्स है वो कम ज़्यादा हो रही है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे सब इक्वल है, ग्रिड घटा रहा हूँ जी, ग्रिड नहीं चाहिए फिलहाल, सब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। अगर इसको कम करेंगे बराबर सेंटर में, अगेन भी नहीं पीछे भी नहीं, किधर बीच में अटक भी नहीं गई है, पर पूछ रहे आवाज आ रहा था, ओके ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिया मैंने, डिवाइडेशन इक्वल हो रहा है। तो आपको हम जो एक सरफेस लिया है आपने उसको आपको डिवाइड करना है, तो आप एज अ रेफरेंस ये बॉक्स को भी ले के डिवाइडेशन कर सकते हो, राइट। फिर अगर आपको कम ज़्यादा करना है, आप यहाँ से कर रहे थे ये तो है, ठीक है, ये भी कम करें, 9 था मेरा, ये भी कम कर सकते, ज़्यादा कर सकते। ये क्यों दिया है, अब ये बॉक्स के अंदर क्यों दिया है, समझो एक बेंड वाला ऑब्जेक्ट है, एक सरफेस है ऐसा बेंड है, लाइक दैट रूफ जैसा थोड़ा बेंड है ऐसा, या आपने डोम जैसा कुछ बना रहे, एलिवेशन ट्रीटमेंट आपका सीलिंग में ऐसा है, या कोई वॉल ऐसा कर हो रहा है। अभी मैं डेक डिजाइन कर रहा हूँ, चालू है मेरा डिजाइन प्रोजेक्ट, ऐसे कर में वॉल है, अपना कंस्ट्रक्शन सेम है बट हम लोग एलिवेशन ट्रीटमेंट एज अ प्लाई में कर में कर रहे हैं पूरा, तो कर ऑब्जेक्ट चाहिए सब। तो अभी समझो मुझे ऐसा कर बना, तो मैं कैसे बना सकता हूँ, मैं बॉक्स लूंगा ऐसा, उसको यहाँ पे प्लेस करूंगा, उसको बेंड दूंगा, बेंड बेंड करके अलग अलग मॉडिफिकेशन है। अगर ये सेगमेंट मैंने डाले हैं तो ही ऑब्जेक्ट बेंड होगा, अगर सेगमेंट नहीं है तो बेंड नहीं होगा। अपने स्कूल में एक मिट्टी आती थी मालूम है, स्कूल में हम लोग आर्ट में लोग यूज करते थे, उसका नाम मैं भूल गया, क्ले के लिए, हाँ वो एक मिट्टी आती थी, कितना भी खींचो टूटती नहीं थी मालूम है ना, हाँ वैसा ही है। अगर आप इसके अंदर जितना सेगमेंट ज़्यादा डालोगे उतना वो एकदम स्ट्रेचेबल बनेगा, राइट। बट ऐसा भी नहीं, आपको दिया है आप भर भर के डालो,
आपके जितने जरूरत है उतना ही डालोगे। क्या होता है अगर मैं सेगमेंट यहाँ पे बहुत बड़ा दिया, तो ये इसका मेंटेनेंस जो है, इसका जो मेंट करना पड़ेगा आपको, इसका जब काम कर रहे होगे तो इसको मेंटेन करने के लिए आपको तकलीफ होने वाली है। अब धीरे धीरे समझ में आएगा सेगमेंट क्या है। सेगमेंट बहुत यूज होने वाला है, इसलिए बोल रहा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ। किसी को नींद आ रहा है, बाहर जाओ 2 मिनट के लिए, मुंह धो के आना। ऐसा कोई है? बहुत जन सोते हैं, मेरे को मालूम है, लास्ट यहाँ पे बहुत साल जब पड़ा हो पीछे सोते थे फिर। हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या इसको नींद आ रहा है अभी भी? ठीक है, सेगमेंट मैंने डाले, ये मेंटेन करना आपको समझ में आना चाहिए कि मेरे को कितना रिक्वायरमेंट है। अंदाज लगाने का है, ऐसा कुछ भी नहीं कि कुछ टेक्निकल है। आपके विजन में आपका ऑब्जेक्ट कितना स्मूथ होना चाहिए, मैं दिखा था। फॉर एग्जाम्पल समझो, मैंने आपको जो बेंड में बता रहा था, ये हम लोग सीखेंगे अलग से। ये मैंने डाल दिया, हो गया ना बेंड। अभी इसके अंदर इतनी जरूरत नहीं है, देखो हिल भी नहीं रहा है ऑब्जेक्ट, हेवी हो रहा है। ऑब्जेक्ट हेवी होता है, आपका सीन बहुत हेवी होगा, लैपटॉप लैग करना चालू होगा, पीसी लैग करेगा बहुत। आप ऐसा नहीं कि इसमें भी ज्यादा सेगमेंट, ये वॉल बनाया है, इस पे अनवांटेड सेगमेंट भी डाल के रखे। बॉक्स है ना, शेप नॉर्मल है, सेगमेंट की जरूरत नहीं है, जीरो, सब जीरो जीरो जीरो। कवर ऑब्जेक्ट है, आपको सेगमेंट की जरूरत होगी। टिपकॉट बना था, ये टिपकॉट बना है, ये टिपकॉट का शेप है ना, जब यहाँ पे ऐसा घूमता है ना, तो यहाँ पे सेगमेंट ज्यादा है। यहाँ पे देखोगे, अगर इसको हम लोग थोड़ा नजदीक से देखेंगे, ये देखो इन्होंने ऐसा बनाया है कि यहाँ पे सेगमेंट ज्यादा नहीं है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। दोस्त शटडाउन तो नहीं होगा दोस्त यहाँ पे, सरफेस थोड़ा स्ट्रेट लेवल है, कम है। यहाँ पे देखो बहुत घुमा घुमा के ऐसा, ज्यादा सेगमेंट। जारी सेगमेंट में कोई कंफ्यूजन है जिसको? डर लग रहा है बहुत, अरे यार ये वही नहीं ना? हाँ डरो मत। यहाँ पे देखो, तो जैसा रिक्वायरमेंट है उन्होंने ऐसा बनाया, हम लोग भी ऐसा ही करेंगे। हम लोग कुछ इनकी टेक्निक्स फॉलो करेंगे, आप प्रैक्टिस करोगे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ओके, तो सेगमेंट जो दिया है आपको जैसी जरूरत है, मैं यहाँ पे सेगमेंट्स कम कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट्स के अंदर वापस गया मैं। शेप में कुछ चेंज हो गया? नहीं, बेंड वैसे के वैसे रहा। मैं इतने सारे सेगमेंट कम कर दिया, 114 थे इसलिए मैं लेके आया, 23 तक अनवांटेड कितने थे, राइट? अभी देखना, और ये सेगमेंट है 53, कुछ चेंज हुआ? जीरो कर दिया इसको, जरूरत ही नहीं थी, अनवांटेड था। हाइट, हाइट में भी सेगमेंट है क्या? नहीं है फिलहाल, वो नहीं है, बाय डिफॉल्ट वन होता है, जीरो नहीं होता है, क्योंकि ये सरफेस से लेके ये सरफेस तक एक सेगमेंट जरूरत है, इसलिए वन दिखाता, बाय डिफॉल्ट वन ही दिखाएगा इसको। अगर मेरे को ज्यादा जरूरत है, ज्यादा स्मूथनेस, कैसे समझ में आएगा? वायर में समझ में नहीं आता है, डिफॉल्ट शेल्डर करना पड़ेगा आपको। ये सब स्मूथ है बराबर। अभी और एक पढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। ओके, फिर मैं लेक्चर खत्म करता हूँ, आगे का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया था मैंने फर्स्ट, बराबर। व्यूपोर्ट हमने मैक्सिमम करना सीखा, कौन से शॉर्टकट से सीखा? देखो ना बुक में लिखा है, मेरे को मालूम है तुरंत, अल डब्ल्यू। ओके बड़ा हो गया, ठीक है। पैन करना है, स्क्रॉल क्लिक, जूम करना है, स्क्रॉल, ठीक है। अभी मुझे ये ऑब्जेक्ट को चारों साइड से देखने का है, वो भी पर्सपेक्टिव में ही। अगर आप टॉप में देखोगे और अगर आप वो वाला मैं जो अभी बताऊंगा कीज वो यूज करेंगे तो क्या होता है वो भी देखते हैं। मैं था पर्सपेक्टिव में, पी बराबर, यहाँ पे था। अल्ट है जो है वो प्रेस करना है आपको, वो दबा के रखने का है। स्क्रोल का जो क्लिक है वो दबा के रखने का है और घुमा देने का है। माउस हिलाओगे तो आपका ये ऑब्जेक्ट को जैसे है देख सकते हो। जूम कर दिया, ये ओके, ये ऐसा है क्या?
ठीक है, ये ऐसा बना क्या? अभी आप देखोगे इसके अंदर सेगमेंट्स कम है, देख रहे क्रूकेट दिख रहा है, जिग जग दिख रहा होगा। ये स्मूथ करने के लिए मॉडिफिकेशंस यहाँ पे है, इसका सेगमेंट सॉफ्ट हो गया एकदम, राइट? प्लस पे टू में अगर आप घुमा के देखने गए, इसको बोलते हैं ऑर्बिट, ऑटोकैड में भी है ऑर्बिट, 3D ऑटोकैड जो करते हैं ना उनको मालूम रहेगा ऑर्बिट। तो लास्ट लेक्चर थोड़ा इंट्रोडक्शन हुआ था, बेसिक कुछ नहीं, मतलब बस फॉर सॉफ्टवेयर क्या होता है, क्या यूज है सॉफ्टवेयर का, तो अब्सेंट लोग थे तो कुछ मिस नहीं हुआ। अभी कोई आगे अब्सेंट नहीं देगा, सब लोग प्रेजेंट है ना, ऑल स्टूडेंट प्रेजेंट्स। सैनो सीना देखिए ना बस ओके, तो और आवाज आ रहा है मेरा लास्ट आवाज आ रहा है? आज पूरा सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करेंगे, ध्यान देना। नोटबुक, तो नोटबुक लाए सब लोग, निकालो बाहर, कोई भी लैपटॉप ऑन नहीं रखेगा, सब लोग लैपटॉप बंद करो, शट डाउन, जरूरत नहीं है। जब मैं बोलूंगा प्रैक्टिस टाइम, वो टाइम पे आप देखो। फास्ट फास्ट ओके निकाला सब लोग ने नोटबुक्स। ओके 3D Max इंस्टॉल कैसे करने का मैं एक यूट्यूब का लिंक दूंगा आपको, कॉलेज के ग्रुप में डालता हूँ, वहाँ से आप देख के भी कर सकते हो। आपका कोई टेक्निकल पर्सन है उसके पास से करवा लो, नहीं तो ऑटोडेस्क के ऑफिशियल वेबसाइट पे स्टूडेंट वर्जन होता है, 3 साल के लिए आपको फ्री रहेगा, उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपको वो वाला चाहिए वो वाला यूज़ करो, कोई टेक्निकल पर्सन से लेना है या फिर ऑनलाइन आप डाउनलोड करके भी कर ले हो, आपकी मर्जी है। सॉफ्टवेयर जो भी प्रोवाइडेशन है अगर कॉलेज देता है तो देख लो, नहीं तो फिर तुम स्टूडेंट वर्जन ऑनलाइन फ्री है वो 3 साल के लिए, 3 साल के बाद निकाल लो, फिर आप देख लो आगे क्या करने का, तब तक आपका कॉलेज भी खत्म होगा। देन स्टार्ट कैसे करने का, आपको कहीं ना कहीं तो आइकॉन तो मिलने वाला है, नहीं तो फिर लॉक किया क्या, देखो लॉक किया तूने टास्क बार इसका नहीं? ओके यहाँ पे सर्च भी मारोगे तो आपको यहाँ पे भी मिलेगा जो भी वर्जन है, अभी फिलहाल हमारे पास 2021 वाला वर्जन है। ओके सॉफ्टवेयर ऑन हो गया है, कुछ ऐसा देखिएगा, किसके पास अगर पुराना वाला वर्जन रहेगा 2014 13 12 उसके नीचे वाले, मतलब डाउन वाले वर्जन से, या 15 भी हो सकता है, उसका कलर थोड़ा चेंज है, ग्रे में है, नए जैसे वर्जन अपग्रेड होते गए वैसा उसका इसका कलर, सब लुक एंड फील सब सेम है, खाली ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है आपको वो ग्रे है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ये सॉफ्टवेयर कुछ अलग तो नहीं है, ठीक है? आपको दिखते हैं 4 विंडो, 1 2 3 4, आपने ऑटो कैड पढ़ा है तो आपको एक ही विंडो दिखाई देगी, ऑटो कैड इज अ 2D सॉफ्टवेयर, इसके वजह से आपको एक ही स्क्रीन दिखती है, एक ही विंडो दिखती है। इसको हम लोग बोलते हैं 3D के लैंग्वेज में व्यू पोर्ट, व्यू पोर्ट, व्यू पोर्ट का मतलब होता है जो आपको दिख रहे हो जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो वो व्यू पोर्ट, ये याद रखना, आगे क्या है व्यू पोर्ट अलग अलग थोड़ा डिटेल में देखेंगे, ठीक है? अगर आप देखोगे यहाँ पे है लिखा हुआ टॉप, जो व्यू पोर्ट मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उसका आउटलाइन गोल्डन कलर या आपके यहाँ पे येल्लो कलर होगा, राइट?
गोल्डन कलर होगा या येलो कलर होगा, डिपेंड्स जो वर्जन है वो इसके ऊपर। अभी यहाँ पे मेरे को लाइटली गोल्डन ऐसा कुछ लाइन दिख रहा है। तो मैं अभी जो जो व्यू पॉइंट में काम कर रहा हूँ ये मेरा एक्टिव व्यू पॉइंट है, मतलब मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये वाला बॉर्डर गोल्डन हो गया, ये व्यू पॉइंट मेरा भी एक्टिव है। जो एक्टिव रहेगा उसका आउटलाइन आपको गोल्डन येलो जो भी कलर रहेगा, ये चेंज भी कर सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारी सेटिंग्स है, उसके अंदर से हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। तो आपको जो व्यू पॉइंट पे काम है आप वो सिलेक्ट करोगे। अभी क्या होता है, चार स्क्रीन दिखने के बाद मेरे को कन्फ्यूजन होता है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, कौन से व्यू पॉइंट में काम कर रहा हूँ। आप इसको फुल स्क्रीन मोड में ला सकते हो। वो कैसे लाने का, सॉफ्टवेयर के अंदर बॉटम में नीचे सबसे डाउन वाला एकदम लास्ट एरो है, मैक्सिमम व्यू पॉइंट टॉगल, इसका शॉर्टकट की है अल्ट प्लस डब्ल्यू। शॉर्टकट सब नोट डाउन करना ऑनलाइन गाइज। ऑनलाइन स्टूडेंट्स पुणे कनकौली, नोट डाउन करना प्लीज। ठीक है, अल्ट प्लस डब्ल्यू दबाने के बाद ये जो मेरा एक्टिव वाला व्यूपोर्ट रहेगा वो बड़ा हो जाएगा। हमेशा आदत लगाना शॉर्टकट की, इसलिए नोट डाउन करने के लिए भूल रहा हूँ। अल्ट प्लस डब्ल्यू अगेन वापस जो नॉर्मल मोड था उसका वो मोड में आ गया। अभी आप देखोगे यहाँ पे लिखा है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव आपने सब लोगों ने पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, पर्सपेक्टिव ड्राइंग बनाना, मतलब आइसोमेट्रिक पर्सपेक्टिव, प्लान सेक्शन एलिवेशन जो आपने पढ़ा है वो वाला सेम चीज सॉफ्टवेयर में देखो। टॉप मतलब आपका प्लान हो गया, बराबर है, टॉप से आप प्लान देखते हो। यहाँ पे लिखा है फ्रंट, मतलब कोई भी एक एलिवेशन होगा आपका, कोई भी एक वॉल का। अगर ये रूम को देखेंगे हम लोग बैठे हुए रूम, ये टॉप से हो गया मेरा फ्रंट वाला, ये हो गया मेरा, मेरा बैक साइड ये वाला हो गया, बराबर है ना, राइट साइड लेफ्ट साइड। ठीक है, अभी यहाँ पे दो चीज नहीं है, एक तो बॉटम और बैक, वो भी चीज इसके अंदर इंक्लूड है, वो भी दिखा था आपको कैसे। पहले ही इंटरफेस समझ के लेते हैं। टॉप प्लान हो गया, कोई तो ए वाला एलिवेशन बी वाला एलिवेशन, देन मेरा पर्सपेक्टिव जो मेरे को 3D में क्या दिखने वाला है वो। अभी ये बैक और दूसरा साइड मतलब लेफ्ट साइड वो कहाँ पे, आप यहाँ पे क्लिक करोगे कोई भी जो नाम लिखा है टॉप, यहाँ पे आपको दिखता है कैमरा लाइट टॉप बॉटम फ्रंट बैक लेफ्ट राइट। सॉफ्टवेयर के अंदर इतने सारे वो दो ऐड नहीं कर सकते थे क्योंकि और कन्फ्यूजन बढ़ता है। अगर वो रिक्वायरमेंट है आपको तो आप डायरेक्टली मैन्युअली आपको करना पड़ेगा। वो सॉफ्टवेयर ने एक आपको फ्रंट दिया है, एक कोई तो एक साइड दिया है, टॉप व्यू दिया है, पर्सपेक्टिव दिया है। अभी मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, उसका नाम है टीपॉट, आपने ये सब देखा रहेगा नॉर्मल लाइफ में, सबके पास होता है, घर पे होता है, किसी चाय की दुकान में भी देखा रहेगा। ये कैसे लाया मैं ये सब बताऊंगा, कन्फ्यूज मत होना। मैं कहाँ से निकाला हूँ ये सब ये आपको दिखाऊंगा, ये आपके समझने के लिए मैंने ये सब कर रहा हूँ। अभी फिलहाल हम लोग को ये टॉप और पर्सपेक्टिव ये क्या चीज़ है वो समझना है। ये अगर ये समझ गए ना आप तो आपको आगे काम करने में बहुत आसानी होगी। यहाँ पे अटक गए कुछ नहीं, आगे का सब बाउंस जाएगा। देखो 3D में आपने को ये दिखता है, रियल वर्ल्ड लाइफ मेरा ये है पर्सपेक्टिव, हम लोग बैठे वो अपना पर्सपेक्टिव वर्ल्ड है, आप पर्सपेक्टिव में बैठे हो, बराबर है ना, मैं गलत बोल रहा हूँ कुछ नहीं, अगर है तो क्लियरली। ओके, ये पर्सपेक्टिव वर्ल्ड है जो मेरा रियल वर्ल्ड में मैं चल रहा हूँ, ये मेरा टॉप है। अभी आप बोलोगे यहाँ पे कुछ सॉलिड दिख रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसे जाली जाली दिख रहा है, ये मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि इसका मोड जो है व्यू पॉइंट के अंदर अलग अलग मोड होते हैं, वायर मोड सरफेस मोड। अगर आप देखोगे यहाँ पे लिखा है वायर, टॉप के बराबर बाजू में ही ये देखो वायर, और यहाँ पे क्या लिखा है डिफॉल्ट शेडिंग्स। शेडिंग का मतलब होता है आप जो भी मटेरियल यूज करने वाले उसके ऊपर ये कैसा है, ग्लास का है, प्लास्टिक का है, मेटल का है, जो भी शेडिंग रहेगा। शेडिंग समझते हो, आपने किया है शेडर्स, शेडिंग किया है, ड्राइंग वगैरह पढ़ा है ना। तो डिफॉल्ट शेडिंग जो भी है इसका कलर वगैरह, वो फिलहाल डिफॉल्ट कलर ये है। इसके वजह से वायर का मतलब होता है ये जो आपका व्यू पोर्ट है ये कभी भी बनता है ना, इसके अंदर एक मेश होता है, मेश मतलब वो जाली जाली, इसके वजह से आपको यहाँ पे वायर मोड मतलब इसका ट्रांसपेरेंट मोड में चालू कर दिया तो मेरे को वायर मिलने वाला है, मतलब जो लाइंस लाइन दिखने वाली। यहाँ पे भी
मेरे को यहाँ पे समझो इसको सॉलिड में दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा वायर के ऊपर क्लिक करूंगा, मैं बोलूंगा डिफॉल्ट शेडिंग्स, यहाँ पे भी कर दो डिफॉल्ट शेडिंग्स, यहाँ पे भी कर रहा हूँ डिफॉल्ट शेडिंग्स, आ गया। अभी मेरे को ये व्यू पॉइंट पे जूम करना है, कोई भी एक व्यू पॉइंट में टॉप में मेरे को जूम करना है, तो मैं क्या करूंगा अपना स्क्रोल है, जैसे ऑटोकैड में अपने स्क्रोल करके जूम इन जूम आउट करते हैं, सेम प्रोसेस, जूम के दिया जूम आउट जूम, अभी मैं ज्यादा जूम कर दिया, एक कोने में चला गया ये, कभी उसको साइड में लेके आने का मेरे, तो मैं कैसे लेके आऊंगा, स्क्रोल क्लिक करने के बाद आपका पैन होता है बराबर है, ये सब शॉर्टकट आपको यहीं पे मिलेंगे जो मैंने यहाँ से मैक्सिमम रिपोर्ट किए थे। मेरे एरो के पास प्लीज ध्यान देना मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, अगर समझो आपने कभी शॉर्टकट्स भूल गए या कभी कभी क्या होता है कि माउस का खराबी के कारण भी स्क्रोल नहीं चलता है वगैरह, तो आप यहाँ से भी मैन्युअली कर सकते हो। ये मेरा पैन, जो मेरा पैन करने का है बराबर है, ये हैंड हैंड दिख रहा है, हैंड ऐसा हैंड दिखा है वो वाला हैंड, यहाँ से मैं पैन कर सकता हूँ जूम वाला, उसके ऊपर एक जूम का टूल है, इससे मैं जूम क्लिक कर रहा हूँ, ओके मैं जस्ट क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, अगर मैं बॉटम में ड्रैग कर रहा हूँ तो जूम आउट हो रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो जूम इन हो रहा है। आप करोगे तो आपको समझ में आएगा, इजी है, कोई हार्ड नहीं, ठीक है। अभी मैं फिलहाल मैनुअल मोड भी कर रहा हूँ, मतलब जो मेरा माउस से कर रहा हूँ, ठीक है, जूम इन पैन सेम अगेन जूम इन पैन, ये देखो ये माउस में गड़बड़, ओके समझ में आया, समझा, यहाँ पे मेरा सॉलिड दिख रहा है, अगेन यहाँ पे भी सॉलिड है, यहाँ पे सॉलिड है। अभी ये कैसा है, देखो आपने पर्सपेक्टिव ड्राइंग ड्रॉ किया है, बराबर इसका टॉप मेरे को दिख रहा है, बराबर इसका मेरे को फ्रंट दिख रहा है, और मेरा बराबर मेरे को इसका राइट साइड दिख रहा है, हैंडल वाला साइड दिख रहा है, लेफ्ट साइड सॉरी, बराबर है ना, मैं ड्रॉ किया मेरा लेफ्ट साइड में, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, अगर आपके भी साइड में होगा बराबर राइट ना, लेफ्ट साइड पे इसका हैंडल है, जो चाय यहाँ से बाहर आता है उसका मुंह राइट साइड पे देखना है, देखो देन इसका बॉटम मेरे को दिखने है राइट, कुछ कंफ्यूजन किसी को भी नहीं, क्लियर सबको, ओके गुड, सिलेक्ट कर दिया तो इसको एक बॉर्डर मिलती है अपने को, ये सब सेटिंग से हटा सकते हैं, पर ऑब्जेक्ट मैंने जो भी सिलेक्ट किया है वो मेरे को समझने के लिए ये इंडिकेशन है, मतलब आपने ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, क्योंकि हम लोग जब बनाओगे तो बहुत सारे, कोई एक लिविंग रूम बना रहे तो बहुत सारे फर्नीचर होते हैं, एलिवेशन ट्रीटमेंट होती है, सीलिंग के अंदर है स्पॉटलाइट, ये वो बहुत आप अलग अलग डिज़ाइन बनाते हो, तो हर एक का टेक्निक अलग होता है, कि कोई मल्टीपल ऑब्जेक्ट से बनाता है, कोई एक ही ऑब्जेक्ट से बनाता है, आर्टिस्ट के ऊपर है, जो भी आर्टिस्ट का जैसा डिज़ाइन करने का स्किल है वही हिसाब से आर्टिस्ट डिज़ाइन करता है, तो वो समझने के लिए अपने को इंडिकेशन लाइन कि ये ऑब्जेक्ट मेरा सिलेक्टेड है, ठीक है। अभी आप बोलोगे ये एरो कहाँ से आया सब, ओके एक नया कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया, ये एरो कहाँ से आया, सिलेक्ट करने के बाद ऐसा था, हम लोग पहले ऐसे देख रहे थे, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया तो ये एरो आ गया राइट, ये एरो आया यहाँ से, ओके सबसे पहले ये फाइल एडिट टूल्स ग्रुप व्यू ये सब है, ये है आपका मेनू बार, ओके उसके बाद आप जो भी कमांड प्रेस करोगे ये आपका कमांड बार है, और ये जो दिख रहा है आपको राइट साइड में पूरा ये वाला विंडो, इसको बोलते हैं कमांड पैनल। अब जो भी कमांड देगा आपने ऑटोकैड पढ़ा है, तो इसके अंदर आप क्या करते हैं, लाइन बनाने के लिए एल एंटर दबाते हो, फिर वो लाइन आती है, मूव करने के लिए एम एंटर देते हो, ऑफसेट के लिए वो एफ एंटर मारते हो, कमांड देते हैं आप, कोई भी सॉफ्टवेयर को कमांड देते हैं, ये कमांड बेस्ड सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑटोकैड इज अ कमांड बेस्ड सॉफ्टवेयर, ये आपको मैनुअली आपको जो भी करना है, ये यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर, आप जो भी लोगे मैं कुछ भी लूंगा ना यहाँ पे सब बनेगा, इसके अंदर सब कुछ डिजाइन होता है, ऐसा नहीं ये सॉफ्टवेयर ओनली फॉर इंटीरियर्स का है, लास्ट लेक्चर मैंने बताना भूल गया था, पुणे कनकोली गाइस प्लीज लिसन, ये सॉफ्टवेयर जो भी है ये ओनली फॉर इंटीरियर्स आर्किटेक्चर्स के लिए नहीं है, ये सॉफ्टवेयर फिल्म इंडस्ट्री, गेमिंग इंडस्ट्री, एग्जीबिशन इंडस्ट्री, जो सेट बनते हैं बड़े बड़े मूवी सेट्स उसके लिए है, अपने लिए भी है, सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा है, इसके अंदर कुछ टूल ऐसे होंगे कि हम लोग के लिए नहीं है, हम लोग के लिए नहीं बनाया हुआ है, तो हम लोग उसको स्किप करने वाले हैं,
पूरा सॉफ्टवेयर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो अपने फील्ड के रिलेटेड है उतना ही हम लोग देखेंगे। तो ऐसा मत बोलना आगे जाके, बहुत स्टूडेंट मेरे को कंप्लेंट करते हैं या सर के पास कंप्लेंट करते हैं कि हम लोग को ये ऑप्शन नहीं पढ़ा है, वो ऑप्शन नहीं पढ़ा है। ये आपके सिलेबस में ही नहीं है, वो पढ़ के आपको कुछ मतलब ही नहीं होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, ये बोन्स दिख रहा है, बोन्स, ये बोन्स का मतलब होता है हड्डी, अपने बॉडी के अंदर जो भी हड्डी है वो हड्डी। ये बनाया है गेमिंग कैरेक्टर्स ने, जब गेम खेलते हो वो गेम के अंदर जो भी कैरेक्टर डिजाइन होता है, जो भी आदमी डिजाइन होता है, जो भी एनिमल डिजाइन होता है, उसके अंदर ये हड्डी डालते हैं। ये हड्डी जब मुंह होता है तभी वो वाला कैरेक्टर जो भी है वो मुंह होता है। पर अपने को नहीं है, अपने को कैरेक्टर डिजाइन नहीं करना है, अपने को इंटीरियर डिजाइनिंग करने का है, राइट? ओके, तो कंफ्यूज मत होना कि ऐसा कोई, ये मैंने नहीं पढ़ाया, ये स्किप किया है, सिलेबस में नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिया। ठीक है, यहाँ से हम लोग कमांड पैनल है, बराबर? ओके, आपको समझ में आया। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आपको अंडू दिख रहा है, अंडू, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, अंडू, ये है आपका रेडू वाला। ओके, उसके बाद है आपका सिलेक्शंस के लिए, आपको कैसे टाइप का सिलेक्शन चाहिए। यहाँ पे दिख रहा है रेक्टेंगल, आप इस की को होल्ड करके रखेंगे तो आपको अलग अलग टाइप के सिलेक्शन मिलेंगे। ओके, ये है आपका सिलेक्शन, मैंने अभी रेक्टेंगल ले लिया। मतलब क्या होता है, देखो मैं ऑब्जेक्ट ये यहाँ पे है, पर मैं ऑब्जेक्ट को क्लिक करके सेलेक्ट करता हूँ, मेरे को ड्रैग करके सिलेक्शन करना है। मल्टीपल सिलेक्शन के लिए आपको ये सिलेक्शन टूल का यूज होने वाला है। ट्रैक करके करूंगा तो मेरे को दिख रहा है रेक्टेंगुलर, बराबर है, ये चेंज करता हूँ, क्लिक होल्ड, यहाँ पे आके छोड़ दिया सर्कल के ऊपर। मैं क्लिक करूंगा सर्कुलर सिलेक्शन, राइट? उसके बाद है मेरा ये कुछ ऐसा शेप का है, मतलब आपको ऐसा 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 ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, सिलेक्ट हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं, इसलिए मेरे को कुछ नहीं दिखा है। देन ये जिगजैग आप कैसे भी करने हैं, आड़ा देना, ये क्लिक क्लिक करके था। यहाँ पे कैसा है देखो, ये दोनों में बहुत जन कन्फ्यूज होते हैं। क्या है, फर्स्ट वाला ऑप्शन मैंने दिखाया था, ये वाला क्लिक करने का है, पकड़ के रखने का है, छोड़ने का नहीं है। आपको सिर्फ लाइन मिलेगी, आपको कुछ आड़ा टेढ़ा शेप्स नहीं मिलेगा, बराबर? लाइन मिल गई, फिर यहाँ पे आता हूँ, फिर भी लाइन मिल रही है, ये शेप बेंड नहीं हो रहा है, बराबर ना? तो मेरे को थोड़ा बेंड वाला शेप चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये वाला ऑप्शन चूज करूंगा, खाली घुमा रहा हूँ बस, क्लिक छोड़ने का नहीं है, क्लिक प्रेस करके रखने का है। ये सिलेक्शन के अंदर टीपॉट आ गया, सिलेक्ट हो गया, बराबर? देन लास्ट में है स्प्रे वाला, तो ये आप ऐसे जहाँ पे स्प्रे करेंगे तो वो स्प्रे आपने यूज किया रहेगा ना, स्प्रे कलर के लिए वगैरह, तो वैसा है। फटाफट सिलेक्शन के लिए दिया है, अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है, अभी आप जैसे धीरे धीरे और डीप में जाओगे तो ये सिलेक्शंस के यूज आपको समझ में आएंगे, राइट? उसके बाद है ये विंडो और क्रॉसिंग, ये ऑटोकैड में पढ़ा है सब लोग, मालूम है ना, ऑटोकैड हो गया ना, राइट? तो ये आपको मालूम नहीं है, क्रॉस विंडो सिलेक्शन नहीं पढ़ा है, रियली? ओके, 3D में देखते क्या होता है। ये ऑप्शन में समझो ऑन रखता हूँ, ये आप कहाँ से ऑन कर सकते हो, देखो दूसरा ऑप्शन है इसका ही अलग है, देखो कहाँ से है, कस्टमाइज के अंदर प्रेफरेंस रहता है, ये प्रेफरेंस सेटिंग देखा रहा हूँ आपका अंदर का, प्रेफरेंस यहाँ पे दिखा है, विंडो, ऑटो विंडो क्रॉस, क्रॉस बाय डायरेक्शन। फिर इसमें क्या लिखा है, आपको कैसे चाहिए, राइट टू लेफ्ट चाहिए, लेफ्ट टू राइट चाहिए, क्रॉसिंग। मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, मैं खाली यहाँ पे ऑन करके छोड़ रहा हूँ बस। मैं क्या करता हूँ देखो, ड्रैग करता हूँ ना ऐसा, ये ऐसा एक ही ऑब्जेक्ट हो रहा है, बराबर है? देखना, कंफ्यूज मत होना। देखो दो ऑब्जेक्ट मेरे पास, दो ट्रिपॉड है, मैं दो कैसे लाया वो भी बता दूंगा। लास्ट गाइस, सोचने के सोए नहीं ना कोई। देखो आपको ये ऐसे दिख रहा है, क्लियर लाइन दिख रही है और यहाँ पे दिख रही है डॉटेड लाइन, बराबर है? ये आपका क्रॉस विंडो सिलेक्शन होता है। मैं ऐसा करके कुछ सिलेक्ट करता हूँ, मतलब एक ऑब्जेक्ट को पूरा कवर कर रहा हूँ, दूसरे ऑब्जेक्ट को आधा ही कवर कर रहा हूँ, फिर क्या होता है, एक ही सिलेक्ट हो गया, शुक्रिया।
मैं वही बोला ना, रियली क्यों, वो मेन चीज है, वो टॉपिक क्रॉस विंडो सिलेक्शन बोलते हैं, याद रखना। और मैं अगर यहां से सिलेक्ट करता हूँ, सेम कर रहा हूँ खाली अपोजिट डायरेक्शन से कर रहा हूँ मैं, ओके, तो क्या होता है, दोनों सिलेक्ट नहीं किया, राइट। ये आपका टूल यहाँ पे दिया उन्होंने, अगर आप मैनुअली डायरेक्टली सेटिंग में से रखोगे तो आपको बार बार ये ऑन करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। एक बार वो प्रिफरेंस से सेटिंग कहाँ से था मेरा, कस्टमाइज प्रिफरेंस, और ये ऑन करना है जस्ट, ठीक है, ओके। देन उसके बाद मूव, मैंने आपको बताया मैंने यहाँ से मूव किया था, मतलब क्या है, समझो ये ऑब्जेक्ट है, मेरे को मूव करना है, इसका पोजीशन चेंज कर देने का है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, और ये जो एरो दिख रहा है राइट, जो भी डायरेक्शन में मेरे को जाने का, अभी यहाँ पे देखोगे ये जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर का मतलब होता है वाई डायरेक्शन में जाने का, ये याद रखना, नोट डाउन, तू लिख क्यों नहीं रहा भाई, माइंड में रहेगा जरा, पक्का वाई डायरेक्शन में होता है, सॉरी ग्रीन में है वाई डायरेक्शन, मतलब ऊपर जा रहा है, ये व्यू पॉइंट में मैं ऊपर जा रहा हूँ। देन है एक्स डायरेक्शन, मतलब मैं मेरे राइट साइड पे जा रहा हूँ, बराबर है। फिर अगर मैं, मुझे समझो राइट साइड में जाना है, तो मैं कुछ ऐसे करूँगा, ओके, फिर मैं ऐसे करूँगा, देखो क्या होता है, अब ये इसको बोलते हैं, ये एरोस को एक्सिस, एक्सिस बोलते हैं, आपने ग्राफ पढ़ा है ना, सब लोग ने स्कूल में ग्राफ पढ़ा था, राइट। ग्राफ में क्या होता है, देखो मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, अल्ट प्लस डब्ल्यू, ये स्क्रीन को मैंने बड़ी किया, ग्राफ में क्या होता है, ऐसा ग्राफ दिखता है आपने, राइट, मैथ्स में ग्राफ पढ़ा था ना, राइट, सब लोगों ने पढ़ा है ना। हाँ, जब भी ग्राफ पढ़ते तो यहाँ पे वैल्यू रहती है जीरो, बराबर है, यहाँ पे रहते पॉजिटिव वैल्यूज, मतलब प्लस प्लस वैल्यूज, यहाँ पे इस डायरेक्शन पॉजिटिव वैल्यू, इसके अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव, बॉटम में देखो अभी मैथ्स पढ़ते जा रहे, इसको डिलीट कर देता हूँ, सिलेक्ट, ओके। इसके नीचे बराबर बॉटम में आते, यहाँ पे लिखा है एक्स वाई जेड, सब वैल्यू क्या क्या, अभी कुछ वैल्यू दिख रहा है, कुछ माइनस में, कुछ प्लस में, एक जीरो है, ठीक है, मैं सबको जीरो कर देता हूँ, जीरो एंटर, जीरो एंटर, बराबर सेंटर में आया। देखो इसका एक्सिस पॉइंट के बराबर, मतलब जो ग्रीन वाले की जो लाइन है, अभी भी फिलहाल येलो दिख रही होगी आपको, क्योंकि मैं उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज याद रखना, जब कोई भी आप इसको एक्टिव करते हो, व्यूपोर्ट को एक्टिव करते हो, तो आपको वो स्क्रीन वाली येलो लाइन में दिखती है। अगर मैं इसको वाई डायरेक्शन को एक्टिव करता तो उसकी लाइन मेरे को येलो दिखाई दे, बराबर ना, येलो दिखा रही तुमको, हाँ हाँ कहा बोलो ना, मेरे को समझ में नहीं आया, ओके। ऐसा मैं मूव कर रहा हूँ, अंडो एक्स डायरेक्शन, ठीक है, बराबर है। अभी यहाँ पे जेड डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि मैं 2D में देख रहा हूँ, बिकॉज ऑफ मैं टॉप में देख रहा हूँ, राइट, परस्पेक्टिव में देखूंगा तो मेरे को जेड भी दिखाई देगा। देखते हैं परस्पेक्टिव में क्या लिखते हैं, अल्ट डब्ल्यू, सिलेक्ट दिस वन, अल्ट डब्ल्यू, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, दिख रहा है ब्लू वाला, ब्लू का मतलब है जेड, आपको अगर समझ में नहीं आना, बच्चे की तरह लिखो, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, उर्दू, आपको जो भी लैंग्वेज में आता है ना, सब में लिखो, पर लिखो, नोट डाउन करो, ऐसे वीडियो भी है आपके पास, फिर भी बुक्स में रहेगा तो ठीक है, वीडियो डिलीट हो गया तो कहाँ से लगे, बुक्स कभी खत्म नहीं होती, ओके। टॉप में थे हम लोग, मैं अगेन बाहर आ रहा हूँ, मैं अगेन टॉप में जा रहा हूँ, टॉप में, यहाँ पे मैं बोल रहा था आपको कुछ वैल्यू दिखती है, बराबर है। अभी मुझे जाना है वाई डायरेक्शन में, प्लस और नेगेटिव, समझो मुझे प्लस में जाना होगा, तो मैं क्या करूंगा, प्लस वैल्यू पुट करूंगा, मतलब कहां पे जाने वाला है, ऊपर, राइट। अगर मेरे को समझो, मैं अभी यहाँ पे यूनिट सेट नहीं है, मैं फिलहाल ऐसे डाल रहा हूँ, 300 एक फिट डाल रहा हूँ, ऊपर चला गया, देखते जूम आउट, 300 एक फुट डाला मैंने, ऊपर चला गया, बराबर है। वापस मैं 300 को जीरो कर लेता हूँ, आ गया। फिर इसको माइनस में डालते, 300, सॉरी अमाउंट गिरा नहीं गया, 300, ओके, माइनस, अगेन इसको जीरो, सेम वाई डायरेक्शन, आपको प्लस वैल्यू चाहिए, दिस साइड मेरा, मतलब मेरे राइट साइड पे जीरो माइनस,
ओके समझा, व्यूपॉइंट चेंज करके देखते क्या होता है। कोई भी व्यूपॉइंट में जाओ, टॉप से बाहर आया, मैं गया फ्रंट में, जूम आउट, सेम एक्सिस है, ग्राफ तो पड़ा है, प्लस वैल्यू नेगेटिव वैल्यू आपको मालूम है, बराबर है। ये लेफ्ट है, ओके क्लियर। इतना किसी को और कंफ्यूजन नहीं, तुरंत पूछ लेना जो भी रहेगा। ओके चलो नेक्स्ट टॉपिक। मैं बाहर आ गया, ओके पर्सपेक्टिव में हूँ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, जो भी डायरेक्शन रहेगा वो मेरे को दिख रहा है। ओके क्लियर। अभी क्या होता है देखो, मैं बार बार अल डब्ल्यू टॉप में जा रहा हूँ, अल डब्ल्यू पर्सपेक्टिव में आ रहा हूँ, ये मेरे को बहुत तकलीफ वाला था। सॉफ्टवेयर ने और इजी दिया, कोई जरूरत नहीं, कोई भी एक व्यूपॉइंट को आपने एक्टिव कर लिया, पर्सपेक्टिव एक्टिव कर लिया। अभी मुझे जाना है कौन से डायरेक्शन में बताओ, किस में जाने का? अरे व्यू पॉइंट बता रहा हूँ, टॉप फ्रंट लेफ्ट। ओके फ्रंट के लिए क्या है अपना नाम, स्पेलिंग क्या है उसका? फर्स्ट वर्ड एफ है, प्लस एफ। ओके लेफ्ट के लिए एल, टॉप के लिए टी। ऐसे नहीं मैं दबा रहा हूँ, हाँ हाँ बोल रहे हो, इधर देखो ऊपर बराबर है कि नहीं, राइट है मेरा, पर्सपेक्टिव है वापस पी। अब इसके अंदर होता है ऑर्थोग्राफिक्स, ये तो 3D में कभी यूज नहीं होता है, ऑर्थोग्राफिक यू। इसके शॉर्टकट्स आपको यहाँ पे दिए सब, इसके नहीं दिए क्योंकि ये सब मैनुअली होता है, ड्रॉ बैक टॉप राइट ये सब, सॉरी बॉटम बैक हो गया, राइट हो गया, कोई तो आपको एक उन्होंने दिया है उसमें से आपको काम आएगा वो आएगा, अगर नहीं आ रहा है तो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। ठीक है ये सब क्लियर, इतना आज के लिए। अभी देखते हैं ड्रॉ कैसे करते हैं, मैंने ऑब्जेक्ट ये लाया कहाँ से, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दिया मैंने, डिलीट मारना है आपको, नॉर्मल डिलीट जो भी डिलीट बटन है आपका, प्रेस डिलीट। ठीक है अगर आप जेड दबाते हो, समझो मैंने ये ऐसा कर दिया, ये जो मेरी जाली दिख रही थी ये मैंने जूम आउट की वजह से किधर तो चली गई, क्योंकि मैं बहुत बाहर आ गया हूँ, वो वर्ड में से बाहर आया हूँ, वर्ड का मतलब अपना पूरा जो वर्ड चलता है वो वर्ड दिखाता है, अब पूरा बड़ा बड़ा सीन, बड़ा बड़ा गेम, एक गेम डिजाइन होता है इसके अंदर, कितने घंटे का गेम होता है वो मालूम है, ये लेवल वो लेवल वो पूरा डिजाइन करते हैं इसके अंदर उन लोगों ने, उनका प्लानिंग वैसा होता है। ठीक है ये जूम आउट कर दिया, एक कोई तो दूसरी वर्ड में चला गया होगा, मैं दूसरी कंट्री में चला गया, जेड आ गया, ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं था इसलिए आपको ये जाली दिख रही है, इसको बोलते हैं ग्रिड, अपने ऑटोकैड में भी पढ़ा ग्रिड। ओके ग्रिड, अगर आपको ग्रिड नहीं चाहिए, आपको ग्रिड के वजह से कंफ्यूजन हो रहा है कुछ काम करने के लिए, प्रेस जी, ग्रिड हाई हो जाएगी, ओनली जी, अगेन चाहिए प्रेस जी, स्पेन नहीं आला, हाँ यार तू नहीं आला, अरे तू एमटेक डिजाइनर है, पेन्सिल पेन इरेजर शार्पनर ठेवा तुझ, मेजर टेप खिशात ठेवायची पहिले। ओके यहाँ पे कमांड पैनल, ये विंडो कभी भी काम करते हो खिलाना मत, ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है देखो, ये वाला विंडो अभी मुझे नहीं चाहिए, कन्फ्यूजन वाला विंडो, इसलिए मैं निकाल रहा हूँ, क्लिक करूंगा यहाँ पे और मैंने क्लिक करते करते इसे खींच लिया, ये सब विंडो हिल जाती है, वापस आपको मालूम होना चाहिए किधर गया, वापस सेट करना, ये सेट कर सकते हैं, क्लिक आ गया, वापस यहाँ पे आ गया, ये मुझे नहीं चाहिए मैं निकाल रहा हूँ, यहाँ पे क्रॉस बंद, ये मैं अगर काम करते करते गलती से मेरा ये हिल गया तो ये हिल जाएगा पूरा, हिल गया देखो बाहर आ गया विंडो, ये विंडो मुझे चाहिए यहाँ पे, ब्लू आ गया सेट, ऐसे ब्लू पॉपअप हो गया ना वो सेट हो जाएगा उधर, छोड़ दो क्लिक। ओके सबसे पहले क्रिएट, उसके अंदर ये सब टैब है, क्रिएट देन मॉडिफिकेशन, ये हायरार्की, फिर मोशन, मोशन को अपने की कोई जरूरत नहीं है, मोशन का मतलब होता है एनिमेट करना, कोई भी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट देने के लिए मोशन का इस्तेमाल होता है, डिस्प्ले वगैरह तो कोई अपने तो कोई सब है, डिस्प्ले में क्या नहीं चाहिए बोन्स ये सब हाइड करने के लिए हम लोग शॉर्टकट यूज करते हैं, देन ये भी अपने कुछ काम किए
नहीं है, ओके मेजरमेंट है, वो तो मेजरमेंट आपको समझ में आएगा, वो खाली मेजर करने के लिए आपका ओवरऑल ऑब्जेक्ट कितना स्केल का है वगैरह वो सब चीज़ें। ओके सबसे पहले आपने क्रिएट टाइम पे जाना है, क्रिएट करना है मुझे अभी ये सॉफ्टवेयर में कुछ तो बनाना है, मेरे को कुछ क्रिएट करने के लिए क्रिएट पैनल में जाना पड़ेगा। ये फिर इसके अंदर क्रिएट के अंदर ये सब चीज़ें हैं, आप क्या क्या बना सकते हो। सबसे पहले ज्योमेट्री, मैथ्स में ज्योमेट्री पढ़ा है बराबर, ज्योमेट्री। फिर ज्योमेट्री में ये पैनल है, एक के अंदर कितने कंटेंट है, क्रिएट में गए फिर ज्योमेट्री में गए, ज्योमेट्री के अंदर बहुत सारी ज्योमेट्रीज है, अलग अलग ज्योमेट्रीज है वो देखेंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड पैरामीटर्स, जो भी स्टैंडर्ड ज्योमेट्री बनी थी वो ज्योमेट्री हम लोग देखेंगे, राइट। उसके बाद है शेप्स, जो भी शेप्स ड्रॉ करते हो आप वो भी देखेंगे क्या है आगे। देन लाइट्स, अपने को लाइट्स की जरूरत है, इंटीरियर बनाया, सब कुछ बनाया, मटेरियल आपका जो भी मटेरियल पैलेट है वो आपने पुटअप किया, विदाउट लाइट्स नथिंग, ये सब मैं रूम को बंद कर दूंगा, एक भी लाइट चालू नहीं रहेगी, क्या होगा, एक अंधेरे रूम में आपको छोड़ दूंगा, क्या दिख रहा है, एक मोमबत्ती जलाएंगे ना, एक मोमबत्ती तो पूरा सब आपको समझ में आता है कि क्या है, आपने ये वॉल कहाँ पे, उसका कलर क्या है वगैरह। तो लाइट्स की जरूरत होगी, देन आता है कैमरा, ओके सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैमरा एंगल। आप अगर एंगल बराबर सेट नहीं करोगे आपका डिजाइन प्रेजेंट नहीं होगा, इसके लिए आपको कैमरे की जरूरत है, राइट। फोटोग्राफी करते हैं, नहीं रील तो सब लोग बनाते हैं है ना, उसमें नंबर वन फोटोग्राफी करते हो, नहीं स्टार्ट करो आज से, ठीक है। सबसे पहले क्रिएट में स्टैंडर्ड पैरामीटर्स में जाऊंगा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सटेंडेड कंपोनेंट अपडेट्स, पार्टिकल सिस्टम अपने काम के नहीं है, देन पाइथन ग्रिड्स काम के नहीं है, बोन ऑब्जेक्ट्स जो मैं जैसे मैंने बोला सॉरी बॉडी ऑब्जेक्ट्स वो भी नहीं है, डोर्स काम के हैं, विंडोज काम के हैं, स्टेयरकेस ये वीरे वीरे, तो हम लोग को ये सब प्लगइन सॉफ्टवेयर से है। वीरे लास्ट लेक्चर बताया था मैंने वीरे क्या है, हम लोग वीरे का इस्तेमाल करने वाले हैं, वीरे इज अ स्ट्रांग प्लगइन फॉर 3D Max, इसके अंदर लाइट्स इफेक्ट्स नेचुरल लाने के लिए काम करता है वीरे। और दो तीन सब अलग अलग सॉफ्टवेयर है रेंडरिंग के लिए, इसमें से सबसे पहले आया था वीरे, अभी आया कोरोना रेंडर आया है, लुमियन आया है, देन एक अनरियल इंजन चलता है वो तो पूरा अलग ही सॉफ्टवेयर है, तो उसका 3D में उधर ही बना, उधर ही रेंडर करो। और एक D5 रेंडर करके आया है 3D Max में, अभी अपने पास इतना नहीं है, यूज भी नहीं हो रहा है बाहर ज़्यादा, तो ज़्यादा तब चल रहा है US में वगैरह के, US उन लोग यूज करते हैं। 3D में सबसे स्ट्रांग कंट्री कौन सा है मालूम है, मालूम है जो कौन है, चाइना रशिया, उसके बाद तुर्की, उन लोग का 3D देखो आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या बना है, ये नेचुरल फोटो निकाल के लिए क्या 3D लेके आए, तो भारी बनाते हैं। फॉलो करना उन लोग ऐसे गाइस को इंस्टा पे, आपको आपका विजनरी पावर थोड़ा बढ़ेगा उन लोग से, ठीक है। क्रिएट ज्योमेट्री देन स्टार्ट स्टैंडर्ड पैरामीटर्स, सबसे पहला ऑब्जेक्ट है बॉक्स, मैं ये नहीं लूंगा क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना होने के लिए मैं ले रहा हूँ यहाँ से टीपॉट, ठीक है, मैंने टीपॉट बना के दिखाया था। आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा, पहले बॉक्स, बॉक्स तो मालूम है, कोन आइसक्रीम का कोन तो हम लोगों ने खाया है, ये सब लेने वाला हूँ ऐसे नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, स्पीयर जियो स्पीयर, सिलेंडर, सिलेंडर मतलब गैस सिलेंडर नहीं, मैं तो बोलेगा मैं इंटीरियर कर रही हूँ इसके अंदर दिया है इन्होंने सिलेंडर डाल दो किचन में, नहीं ये अलग है। टोरस ये आपको समझ में आएगा, पिरामिड शेप तो आपको मालूम है, जो पिरामिड हम लोगों ने देखा है ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री में पड़े हुए ऑब्जेक्ट ही है ये सब। ट्यूब, ट्यूबलाइट्स नॉट ट्यूबलाइट्स, ट्यूब डस्ट एक ट्यूब, देन है टीपॉट, ये नया ऑब्जेक्ट है, ये समझ में नहीं आता सर ये क्यों दिया है, राइट ये क्यों दिया है, ये मैं ले रहा हूँ टीपॉट, क्लिक किया यहाँ पे ब्लू इंडिकेशन, तूने ये ऑब्जेक्ट को चूज किया है, इंडिकेशन यहाँ पे आया सेंटर पे लेके आ रहा हूँ, कहाँ पे भी बना सकते हो, मैं ऐसे यहाँ पे आया तो आपको भी आया, बट ट्राई करना हमेशा ग्रिड के ऊपर, ओके क्लिक ट्रैक करो, ठीक है ड्रैग किया मैंने,
ओके वापस दिखाता हूँ, कन्फ्यूजन। टीपॉट सिलेक्टेड, क्लिक, क्लिक को दबा के रखने का है, क्लिक को छोड़ने का नहीं है। ओके जस्ट ट्रैक करो, इसे खुलता है ना कली, इसे खुलता है राइट। हाँ देखा आपने, ऑब्जर्व किया, वापस दिखाओ। ओके समझा लास्ट। ओके मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, अभी इसका क्या करने का, ये तो बना दिया, किसी टेबल के ऊपर रखना पड़ेगा बराबर ना, ऐसे छोड़ दो हवा में नहीं। ठीक है इसको भी क्या फिलहाल साइड में लेते, साइड में लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कमांड देना पड़ेगा तू साइड में मूव हो जा, तो ये तो होने वाला नहीं है इसलिए मूव साइड में ले बराबर। अभी बनाते टेबल। ओके टेबल रेक्टेंगुलर शेप है तो बॉक्स लेना पड़ेगा। ओके हम लोग अभी बॉक्स पढ़ते, क्लिक, इतने बाय इतने का मेरा रहेगा बता दो। ठीक है फिलहाल मैं सब ले रहा हूँ, क्लिक को छोड़ रहा हूँ, जस्ट माउस हिला दिया, कुछ नहीं करो, क्लिक करके ड्रैग किया, क्लिक को छोड़ा नहीं था, देन जो मेरा शेप था रेक्टेंगुलर बेसिक शेप वो मैंने उठाया, क्लिक छोड़ दिया, माउस हिला रहा हूँ तो अपने आप हाइट दिखा रहा है मेरे को, ये इतना हाइट का चाहिए, इसका प्लाई का थिकनेस जो भी आप समझ रहे हो, मेटल का बना रहे हो मार्बल का बना रहे हो, तो इसका थिकनेस कितने रहेगा, मैं लगभग विजुअली कर रहा हूँ सब कुछ, अभी हम लोग फिलहाल विजुअली देख रहे हैं। ठीक है क्लिक, इतना रहेगा, अभी कुछ मूवमेंट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है। ओके अगर आपको ये कमांड में से बाहर आना है तो एस्केप दबा दो, अपने आप ये ऑब्जेक्ट मूव होएगा, क्यों होएगा, क्योंकि सबसे पहला कमांड है इन लोग का मूव राइट। अगर इसको मुझे रोटेट करना है, घुमाना है, तो मैं घुमा सकता हूँ, देखो इसके बाजू में टूल दिया है रोटेट। अगेन मैं बोला था कलर्स याद रखने का अपने को, वाई का कलर कौन सा था नोट डाउन नहीं किया था तुम लोगों ने, मुझे मालूम है सब लोगों ने किया है, ग्रीन, और एक्स के लिए कौन सा कलर था रेड, और जेड के लिए राइट। ओके गुड, अभी यहाँ पे आपको समझ में नहीं आता है क्योंकि वहां पे जो दिखा रहा था एक्स वाई जेड उसका नाम लिख के आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा। ओके मुंह का कमांड है डब्ल्यू, मुंह का शॉर्टकट कमांड है डब्ल्यू। आप बोले यहाँ पे यम क्यों नहीं दिया, बता दो क्यों नहीं दिया, अगर हम मैं यम प्रेस करता हूं यहाँ पे एम, गाइस प्लीज साइलेंट योर फोन, डिस्टर्ब होता है मैं, ठीक है तेरा फोन आ गया इंपॉर्टेंट रहेगा सब कुछ, बट साइलेंट पे रखो बाकी सबको डिस्टर्ब ना हो, तू तेरे बात साइड में देखा कुछ अर्जेंट है उठाया नहीं तो सॉरी तो इसलिए रिंग बजता, बट ट्राई करो मोस्ट ऑफ कि ना बजे, सबको कंफ्यूजन होता है, डिस्टर्ब होता है पूरा क्लासिक डिस्टर्ब, मेरा लिंक मैं क्या बता रहा हूँ मैं भूल जाता हूँ कभी। ओके ये विंडो आती है एम के वजह से, इसलिए मैं आपको सॉरी इसलिए इन्होंने विंडो शॉर्टकट एम नहीं दिया है डब्ल्यू दिया है। ओके डब्ल्यू का मतलब मूव, रोटेट के लिए देखो आर कर सकता है नहीं हुआ ना रोटेट, ई इसलिए नोट डाउन करो, आप समझोगे हाँ ऑटो कैड से आर एंटर मारा कुछ नहीं होना, और यहाँ पे एंटर नहीं दबाने का कभी, याद रखना आपको यहाँ पे एंटर करके कुछ दबाना ही नहीं, डायरेक्ट नॉर्मल शॉर्टकट, अगर आप एंटर दबाते हो स्पेस दबाते हो क्या होता है मालूम है, देखो स्पेस बार दबा दिया मैंने, यहाँ पे पूछता हूँ लॉक सिलेक्शन, ऑब्जेक्ट को आप लॉक कर सकते हो, मतलब समझो मैंने लॉक सिलेक्शन कर दिया इसको, ये ऑब्जेक्ट कभी रोटेट नहीं होने वाला सॉरी, ऐसा मतलब वो ही जगह पे रहेगा, पोजीशन वगैरह चेंज नहीं करेगा, लॉक होता है लॉक, यहाँ पे लॉक है, वापस अनलॉक कर दे। ओके ई रोटेशन और स्केल भी बचा अपना स्केल, एक स्केल के लिए है आर, अभी ये सब शॉर्टकट ऐसे क्यों दिए है, वो एक सब लाइन में देखोगे आपका कीबोर्ड है उसके ऊपर डब्ल्यू ई आर, तो आपका हैंड एक माउस पे है एक हैंड कीबोर्ड पे,
आप डायरेक्टली डब्ल्यू ई आर, ये तीन उंगली आप इसको ना, डब्ल्यू ई आर, बस इतना यूजर फ्रेंडली दिया है, राइट। मुझे रोटेट करना था तो मैं रोटेट कर सकता हूँ, अगर मुझे स्पेसिफिक एंगल में ही रोटेट करना है, एक कौन सा डिग्री में आपका, तो मुझे करना है समझो वाई में करते हैं 45 डिग्रीज, 45 डिग्री में वो रोटेट हो गया। अब ये सेंटर से रोटेट हो रहा है, आप इसका रोटेशन पॉइंट भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, वो देखते कैसे चेंज कर। ठीक है, मैं W दबा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ओके आ गया एक्सिस पॉइंट। देखो टॉप से देखेंगे बराबर सेंटर के में है, ऑब्जेक्ट के बराबर सेंटर, कोई भी ऑब्जेक्ट पकड़ो सेंटर पे इसके, कितना भी जूम करके तो सेंटर ही रहेगा उसका, मैक्स बाय डिफॉल्ट सेंटर देता है। अभी इसका पॉइंट जो है मेरे को चेंज करना है, मेरे को यहाँ पे नहीं चाहिए, मेरे को ये कोने में चाहिए, यहाँ पे किधर तो चाहिए या यहाँ पे किधर तो चाहिए, आप कहाँ पे भी रख सकते हो, ये पूरा सरफेस में आपको जहाँ पे रखना है वहाँ पे पुट कर सकते हो। वो कैसे करने का, हम लोगों ने यहाँ से किया था क्रिएट देन मॉडिफिकेशन देन ये हायरार्की, हायरार्की में लिखा है इफेक्ट पाइवट ओनली, का मतलब होता है ये जो पाइवट है, ये जो इसका एक्सिस पॉइंट है वो मुझे चेंज करना है, इसीलिए इफेक्ट कर उसके ऊपर कुछ इफेक्ट करना है। किया आपका बराबर मुंह में एक ट्रांसपेरेंट एक्सिस आ गया, ओके ये आने मतलब आपका ये एक्टिव हो गया, जो इफेक्ट पाइवट ओनली है ना वो आपका एक्टिव हो गया। मैं इसको चेंज करता हूँ, आपको जहाँ पे रखना है आप चेंज कर सकते हो, अगर आप स्पेसिफिक डायरेक्शन दे रहे हो, देखो मेरा ओनली रेड वाला मतलब एक्स वाला एक्टिव है, ओके कुछ कन्फ्यूजन है उसको, उसको आई डाउट नहीं ना, इफेक्ट पे ओनली इथे 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 गेलो है, क्रिएट में गया था मैं यहाँ पे बराबर, उसके बाद था मॉडिफिकेशन, मतलब मैं दिखाऊंगा मॉडिफिकेशन क्या है, फिलहाल टेम्पररी भूल जाओ क्या है। मैं यहाँ पे गया हायरार्की के अंदर, यहाँ पे गया इफेक्ट पॉइंट ओनली के अंदर, बस इतना ही किया, और मुझे मैं आपको ये बता रहा था कि कौन से डायरेक्शन में मुझे चेंज करना है। अगर आप मुझे कहाँ पे भी रखना है, मैंने डायरेक्टली जाना है तो मैं क्या करूँगा, ये दिख रहा है स्क्वायर दिखता है ये, यहाँ पे जाऊँगा तो मेरा देखो एक्स वाला भी एक्टिव है, वाई वाला भी एक्टिव है, देखो ये देखो अब दोनों डायरेक्शन में काम कर रहा है। अगर मैं एक्स में रखूंगा तो एक ही डायरेक्शन में काम आएगा, और वाई में रखूंगा तो एक ही डायरेक्शन में, राइट मुझे चाहिए यहाँ पे, मैं डायरेक्टली मैनुअली पुट करके यहाँ पे लेके आया, इसको बंद कर दिया, इसका काम हो गया है, इसको बोलते हैं टाटा घर पे बैठ, ओके अभी मैं जाता हूँ वापस टॉप में, सॉरी पर्सपेक्टिव में, ओके पर्सपेक्टिव बराबर, ठीक है ई रोटेशन कौन से यहाँ पे हम लोग कर रहे थे, राइट वाई में 45 डिग्री डाला था ना मैंने, यस ऊपर चाहिए -45, समझा कुछ कंफ्यूजन किसी को, और लास्ट गर्ल्स सोए नहीं ना तुम लोग, ध्यान देना भाई, ओके समझा इतना सबको क्लियर है। अभी आप बोल रहे होंगे कि मुझे ये सब डायमेंशन में काम करना था, या मेरा जो भी साइज है आपने डिसाइड कर विद यूनिटलेस में भी है, फिर भी मुझे इसका साइज छोटा बड़ा करना है, तो मैं कैसे करूँगा, देखो क्रिएट पैनल में थे, अपने को जाना है मॉडिफाई पैनल में, यहाँ पे आपका उसका नाम लिख के आएगा बॉक्स 001, ये बॉक्स था जो भी बाय डिफॉल्ट था वो, अगर आपको इसका नाम एडिट करना है आप कर सकते हो, खुद का नाम डालना है डाल सकते हो। ओके सरफेस मैंने नाम लिखा उसका टॉप सरफेस, ओके तो इसके नीचे आपको दिखता है लेंथ विड्थ हाइट बराबर, अभी लेंथ कितनी है इसकी, आपका जो भी लेंथ रहेगा क्लिक प्रेस करके रखने का, जो साइड में दो डॉट दिख रहे होंगे या एरो दिख रहे होंगे आपको, उसके ऊपर माउस लेके जाने का, क्लिक दबा के रखने का, या ऐसा सिम आपका एरो ऐसा आएगा ऊपर नीचे, इससे आपको जो भी रहेगा साइज वो, अगर आपको मैनुअली साइज मालूम है कि मेरा इतना ही है
तो आप डायरेक्टली सिलेक्ट करो, वैल्यू पुट करो आपको जो भी रहेगा। ये मैं यहाँ पे फिलहाल बाय डिफॉल्ट 85 ले रहा हूँ, एंटर कर दिया। इसका साइज है कुछ 100, छोटा कर दिया, बड़े से मैंने छोटा कर दिया। आपको बड़ा करना है तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। यहाँ पे आपको यूनिट सेट करने हम लोग सीखेंगे, तो आपको यहाँ पे लिख के आएगा मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंचेस, फुट, मीटर्स। जो भी आप यूनिट में काम कर रहे होगे वो यूनिट में काम करोगे। बट मेरा सजेशन आपको ये है कि आप 3D में MM में काम करो। मैं तो बोलता हूँ आप लोग आपका ड्राइंग भी MM में बनाओ, आदत डालो अभी से, क्योंकि आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग MM में काम करते हैं। अगर आप मॉड्यूलर में जो मॉड्यूलर फर्नीचर डिजाइन करते हो, मॉड्यूलर कुछ भी, मॉड्यूलर मतलब मॉड्यूलर इंडस्ट्री जो में है, वो इन लोग MM में ही लेते हैं। अगर स्पेसिफिक किचन में गए तो आपको MM में काम करना पड़ता है। अभी आपको आदत लगी होगी इंचेस की, MM में कर रहे हो तो गुड, वेरी गुड। MM में ही काम करना, मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हम लोग MM में ही काम करते हैं। तो 3D में भी मैं 3D बनाता हूँ, क्योंकि ड्राइंग मेरा MM में बनता है, तो मैं इसी में भी MM में क्यों करते हैं, क्योंकि आपको प्रिसीजन ज़्यादा मिलते हैं, अलग 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 स्मॉल स्मॉल स्केल में आप में काम करने को मिलता है। 3D में कैसा होता है कि अगर एक इंच डाले तो इतना बड़ा दिखता है, ऐसा दिखने में बहुत बड़ा दिखता है। आप बोले अरे इतना बड़ा हो गया, एक इंच डेविन मैंने लिया था, ऐसा नहीं। बट सॉफ्टवेयर है, थोड़ा सा विजनरी के हिसाब से भी होता है थोड़ा। तो MM में अपने को, हाँ चल एक इंच का उन्होंने लिया, कुछ 18-20 का लिया तो चल जाता है उतना। तो आपका जो भी यूनिट रहेगा वो यहाँ पे दिखाएगा साइड में, और जो भी आप डायरी में ये डालोगे आपका साइज, वो साइज में आएगा। ये मेरा 4 दिखा रहा है, अगर आपको यहाँ पे बढ़ाना है तो आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। अभी नीचे आते हैं, लेग लेंथ, सेक्स विथ सेक्स हाइट सेक्स, ये क्या है, ये शॉर्टकट दिखाया उसने, इसका नाम है सेगमेंट्स। लेंथ सेगमेंट, विड्थ सेगमेंट, हाइट सेगमेंट। अब ये सेगमेंट क्या है, ओके सेगमेंट क्या होता है, आप अगर इसको बढ़ाते हैं, नंबर सब बढ़ा दे, कुछ दिखाई दिया नहीं दिखा दिया, बराबर। क्यों नहीं दिखा दिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट मेरा है सरफेस मोड, शेडिंग में है, जो भी सॉलिड ऑब्जेक्ट, इसको करते वायर, ये है वायर ओवरराइड, ओके। अभी इसका शॉर्टकट की लिख के लेना, F3 जो है आपका, अगर आप कभी कभी क्या होता है फंक्शन F3 दबाना पड़ता है, फंक्शन जो आपके लैपटॉप में फंक्शन होता है ना, अगर आपका F3 से नहीं हुआ समझो, डायरेक्टली दबा रहे तो कुछ अलग ही आ रहा होगा, तो फंक्शन F3 ये ट्राई करना। अभी ये लैपटॉप में तो हो रहा है, ठीक है, लाइन दिख रहे होगी, सब ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है मेरा, ये मैं कम कर रहा हूँ, यहाँ से और ज़्यादा बढ़ाना चाहता हूँ बढ़ाते हो, हाइट में बढ़ाना है बढ़ाता हूँ, कम करना है कम कर सकता हूँ। जो लाइन्स है वो कम ज़्यादा हो रही है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे सब इक्वल है, ग्रिड घटा रहा हूँ जी, ग्रिड नहीं चाहिए फिलहाल, सब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। अगर इसको कम करेंगे बराबर सेंटर में, अगेन भी नहीं पीछे भी नहीं, किधर बीच में अटक भी नहीं गई है, तो पूछ लेना आवाज आ रहा था। ओके ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिया मैंने, डिवाइडेशन इक्वल हो रहा है, तो आपको हम जो एक सरफेस लिया है आपने उसको आपको डिवाइड करना है, तो आप एज अ रेफरेंस ये बॉक्स को भी लेके डिवाइडेशन कर सकते हो, राइट। फिर अगर आपको कम ज़्यादा करना है, आप यहाँ से कर रहे थे तो ठीक है, ये भी कम करें, 9 था मेरा, ये भी कम कर सकते, ज़्यादा कर सकते। ये क्यों दिया है, अब ये बॉक्स के अंदर क्यों दिया है, समझो एक बेंड वाला ऑब्जेक्ट है, एक सरफेस है ऐसा बेंड है, लाइक दैट रूफ जैसा थोड़ा बेंड है ऐसा, या आपने डोम जैसा कुछ बना रहे, एलिवेशन ट्रीटमेंट आपका है, सीलिंग में ऐसा है, या कुछ वॉल ऐसा कर्व हो रहा है। अभी मैं डेक डिजाइन कर रहा हूँ, चालू मेरा रिसेंट प्रोजेक्ट्स, ऐसे कर्व में वॉल है,
अपना कंस्ट्रक्शन सेम है, बट हम लोग एलिवेशन ट्रीटमेंट एज अ प्लाई में कवर में कर रहे हैं पूरा, तो कवर ऑब्जेक्ट चाहिए सब। तो अभी मैं समझो मुझे ऐसा कवर बनना, तो मैं कैसे बना सकता हूँ? मैं बॉक्स लूंगा ऐसा, उसको यहाँ पे प्लेस करूंगा, उसको बेंड दूंगा, बेंड बेंड करके अलग अलग मॉडिफिकेशन है। अगर ये सेगमेंट मैंने डाले है तो ही ऑब्जेक्ट बेंड होगा, अगर सेगमेंट नहीं है तो बेंड नहीं होगा। अपने स्कूल में एक मिट्टी आती थी मालूम है, स्कूल में हम लोग आर्ट में लोग यूज करते थे, उसका नाम मैं भूल गया, क्ले के लिए। हाँ वो मिट्टी आती थी, कितना भी खींचो टूटती नहीं थी मालूम है ना। हाँ वैसा ही है, अगर आप इसके अंदर जितना सेगमेंट ज़्यादा डालोगे उतना वो एकदम स्ट्रेचेबल बनेगा, राइट। बट ऐसा भी नहीं आपको दिया है आप भर भर के डालो, आपके जितने जरूरत है उतना ही डालोगे। क्या होता है अगर मैं सेगमेंट यहाँ पे बहुत बड़ा दिया, तो ये इसका मेंटेनेंस जो है, इसका जो मेंट करना पड़ेगा आपको, इसका जब काम कर रहे होगे तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको तकलीफ होने वाली है। अब धीरे धीरे समझ में आएगा सेगमेंट क्या है, सेगमेंट बहुत यूज होने वाला है, इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान दे रहा हूँ। किसी को नींद आ रहा है बाहर जाओ 2 मिनट के लिए मुंह धो के आना, ऐसा कोई है? वो जन सोते हैं मेरे को मालूम है, लास्ट यहाँ पे बहुत साल से पड़ा हो पीछे सोते थे फिर। हाँ बोलो बोलो क्या, इसको नींद आ रहा है अभी भी? ठीक है, सेगमेंट मैंने डाले ये मेंटेन करना आपको समझ में आना चाहिए कि मेरे को कितना रिक्वायरमेंट है। अंदाज लगाने का है, ऐसा कुछ भी नहीं कि कुछ टेक्निकल है, आपके विजन में आपका ऑब्जेक्ट कितना स्मूथ होना चाहिए। मैं देखा था फॉर एग्जांपल, समझो मैंने आपको जो बेंड में बता रहा था ये हम लोग सीखेंगे अलग से, ये मैंने डाल दिया। हो गया ना बेंड, अभी इसके अंदर इतनी जरूरत नहीं है, देखो हिल भी नहीं रहा है, ऑब्जेक्ट हेवी हो रहा है, ऑब्जेक्ट हेवी होता है, आपका सीन बहुत हेवी होगा, लैपटॉप लैग करना चालू होगा, पीसी लैग करेगा बहुत। आप ऐसा नहीं कि इसमें भी ज्यादा सेगमेंट, ये वॉल बनाया है इस पे अनवांटेड सेगमेंट भी डाल के रखिए, बॉक्स है ना शेप नॉर्मल है, सेगमेंट की जरूरत नहीं है, जीरो, सब जीरो जीरो जीरो, कवर ऑब्जेक्ट से आपको सेगमेंट की जरूरत होगी। टिपॉट बना था, ये टिपॉट बना है, ये टिपकॉट का शेप है ना, जब यहाँ पे ऐसा घूमता है ना तो यहाँ पे सेगमेंट ज्यादा है। यहाँ पे देखोगे अगर इसको हम लोग थोड़ा नजदीक से देखेंगे, ये देखो इन्होंने ऐसा बनाया कि यहाँ पे सेगमेंट ज्यादा नहीं है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, शटडाउन तो नहीं होगा यहाँ पे, सरफेस थोड़ा स्ट्रेट लेवल है, कम है यहाँ पे, देखो बहुत घुमा घुमा के ऐसा, ज्यादा सेगमेंट, सेगमेंट में कोई कंफ्यूजन है जिसको डर लग रहा है बहुत? अरे यार ये कोई नहीं ना, डरो मत। यहाँ पे देखो तो जैसा रिक्वायरमेंट है उन्होंने ऐसा बनाया, हम लोग भी ऐसा ही करेंगे, हम लोग कुछ इनकी टेक्निक्स फॉलो करेंगे, आप प्रैक्टिस करोगे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ओके तो सेगमेंट जो दिया है आपको जैसी जरूरत है, मैं यहाँ पे सेगमेंट्स कम कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट्स के अंदर वापस गया मैं, शेप में कुछ चेंज हो गया नहीं, बेंड वैसे की वैसे रहा, मैं इतने सारे सेगमेंट कम कर दिया, 114 थे इसलिए मैं लेके आया 23 तक, अनवांटेड कितने थे, राइट। अभी देखना और ये सेगमेंट है 53, कुछ चेंज हुआ? जीरो कर दिया उसको, जरूरत ही नहीं थी, अनवांटेड था। हाइट, हाइट में भी सेगमेंट है क्या? नहीं है फिलहाल, वो नहीं, बाय डिफॉल्ट वन होता है, जीरो नहीं होता क्योंकि ये सरफेस से लेके ये सरफेस तक एक सेगमेंट जरूरत है, इसलिए वन दिखाता है, बाय डिफॉल्ट वन ही दिखाएगा इसको। अगर मेरे को ज़्यादा जरूरत है, ज़्यादा स्मूथनेस, कैसे समझ में आएगा? वायर में समझ में नहीं आता है, डिफॉल्ट शेल्डर करना पड़ेगा आपको, ये सब स्मूथ है बराबर। अभी और एक पढ़ते हैं यहाँ पे, थोड़ा ध्यान देना, ओके फिर मैं लेक्चर खत्म करता हूँ, आगे का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया था मैंने फर्स्ट, बराबर व्यूपॉइंट हम लोगों ने मैक्सिमम करना सीखा,
कौन सा शॉर्टकट से सीखा? देखो ना, बुक में लिखा है, मेरे को मालूम है तुरंत। अल डब्ल्यू। ओके, बड़ा हो गया। ठीक है, पैन करना है, स्क्रोल क्लिक, जूम करना है, स्क्रोल। ठीक है, अभी मुझे ये ऑब्जेक्ट को चारों साइड से देखने का है, वो भी पर्सपेक्टिव में ही। अगर आप टॉप में देखोगे और अगर आप वो वाला में जो भी बताऊंगा कीज वो यूज करेंगे तो क्या होता है वो भी देखते हैं। मैं था पर्सपेक्टिव में, पी बराबर यहाँ पे था। अल्ट जो है वो प्रेस करना है आपको, वो दबा के रखने का है। स्क्रोल का जो क्लिक है वो दबा के रखने का है और घुमा देने का है। माउस हिलाओगे तो आपका ये ऑब्जेक्ट को जैसा है देख सकते हो। जूम कर दिया, ये ओके, ये ऐसा है क्या? ठीक है, ये ऐसा बना क्या? अभी आप देखोगे इसके अंदर सेगमेंट्स कम है, दिख रहे क्रूकेट दिख रहा है, जिग जग जिग जग दिख रहा होगा। ये स्मूथ करने के लिए मॉडिफिकेशंस यहाँ पे है, इसका सेगमेंट सॉफ्ट हो गया एकदम, राइट? पर्सपेक्टिव में अगर आप घुमा के देखने का है, इसको बोलते हैं ऑर्बिट। ऑटोकैड में भी है ऑर्बिट, 3D ऑटोकैड जो करते हैं ना उनको मालूम रहेगा ऑर्बिट।